हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यू में। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हनुमान वर्सेस मही रावण मूवी का रिव्यू। दोस्तों, इस मूवी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और इसमें एक ऐसी कहानी दिखाई गई है जो अभी तक किसी भी रामायण में या बहुत सारे मतलब जो टीवी सीरियल्स आए हैं रामायण के ऊपर या रामायण मूवी आई है उसमें ये स्टोरी नहीं दिखाई गई है हनुमान जी की। तो इसीलिए इस मूवी के बारे में रिव्यू में लेकर के आया हूँ ताकि जो रामायण के रावण को वध करने के समय पर जो हनुमान जी की भूमिका थी वो क्या थी और उन्होंने क्या क्या मतलब जो अनटोल्ड स्टोरी है एक तरह से मतलब जो नहीं बताया गया है रामायण वगैरह में वो आपको जानने के लिए मिले। तो दोस्तों, मूवी के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अपने चैनल पर मैं अच्छी और बुरी दोनों तरह की मूवीज़ के रिव्यू डालता हूं। एंड रिव्यू डालने का उद्देश्य यही होता है कि आप मूवी देखने से पहले मेरी मूवी का रिव्यू देखें और ये तय कर पाएँ कि कौन सी मूवी अच्छी है और कौन सी मूवी आपको देखनी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि आप ख़राब मूवी देख करके अपना टाइम वेस्ट करें। तो दोस्तों, और बता दूं कि अपने चैनल पर मैं सिर्फ मूवी से जुड़ी हुई जानकारी एंड मूवी की शॉर्ट में स्टोरी आपको बताता हूं, कंप्लीट मूवी या फिर मूवी की क्लिप अपलोड नहीं कर पाता हूं यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से। एंड आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे इस रिव्यू को मात्र 3 से 4 मिनट तक ज़रूर देखें, आपको ज़रूर मदद मिलेगी ये जानने में कि इस मूवी को आपको देखना चाहिए या नहीं। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं मूवी की डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले मैं बात करूँ IMDb रेटिंग के बारे में, तो मूवी ने 10 में से 7 की रेटिंग प्राप्त की है जो कि दर्शाती है कि मूवी की स्टोरी अच्छी है। अगर मैं बात करूं पर्सनल फीडबैक की तो वाकई में अगर आपको कार्टून मूवी देखना पसंद नहीं है तो ये मूवी आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये एक तरह से आप बोल सकते हैं एनिमेटेड मूवी है। अगर जो एनिमेटेड मूवी के फ़ैन हैं डेफिनेटली उनको ये मूवी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, लेकिन अगर आप राम जी और हनुमान जी से जुड़ी हुई कुछ अलग चीज़ें जानना चाहते हैं तो ये भी आपके लिए एक अच्छी मूवी रहेगी। तो दोस्तों, बात करें अदर डिटेल्स के बारे में, तो यह 2018 की हिंदी भाषा की एडवेंचर 2D और 3D मूवी है जिसे डायरेक्ट किया गया है एजहल वंदन के द्वारा। बात करूँ मूवी की स्टोरी के बारे में, तो इस मूवी के अंदर दिखाया गया है कि देवी सीता को बचाने के लिए और लंकापति रावण को हराने के लिए हनुमान जी अपनी यात्रा आरंभ करते हैं। अपने राज्य की रक्षा के लिए मतलब रावण अपने राज्य की रक्षा करने के लिए अपने सबसे शक्तिशाली और सहायक और भाई को, जिसका नाम होता है मही रावण, उसको भेजता है हनुमान से लड़ने के लिए और हनुमान जी को हराने के लिए। लेकिन क्या वो हनुमान जी को हरा पाता है या नहीं ये जानने के लिए मूवी देखिएगा, इंटरेस्ट आपको आएगा। जैसे रिजल्ट तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि हनुमान जी को कोई हरा ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी मैं आपका इंटरेस्ट नहीं ख़राब नहीं करना चाहता ये बता करके कि किस किस तरह से मूवी के अंदर हनुमान जी ने मही रावण से युद्ध किया और कैसे उनको हराया। तो यह जानने के लिए आप मूवी देखिएगा, मूवी डेफिनेटली आपको पसंद आएगी। बात करूँ अदर डिटेल्स की, मूवी की कहानी को लिखा गया है नारायण विद्यानाथन के द्वारा एंड मूवी बेस्ड है रामायण बाई वाल्मीकि, जो वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी थी उसके ऊपर बेस्ड है। मूवी को प्रोड्यूस किया गया है राजीव चिलाका ने और प्रोड्यूस किया गया है समीर जैन और श्रीनिवास एंड चिलाका कल पुदी, इन सभी के द्वारा मूवी को प्रोड्यूस किया गया है। मूवी को प्रोडक्शन कंपनी थी मूवी की ग्रीन गोल्ड एनिमेशन एंड मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था यशराज फिल्म्स के द्वारा। 6 जुलाई 2018 में मूवी को रिलीज़ किया गया था। 96 मिनट की यह मूवी है और हिंदी और तमिल दो लैंग्वेजेस में मूवी अवेलेबल है। तो दोस्तों, एक बार मूवी को ज़रूर देखिएगा, आपको पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यू में। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हनुमान वर्सेस मही रावण मूवी का रिव्यू। दोस्तों, इस मूवी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और इसमें एक ऐसी कहानी दिखाई गई है जो अभी तक किसी भी रामायण में या बहुत सारे मतलब जो टीवी सीरियल्स आए हैं रामायण के ऊपर या रामायण मूवी आई है उसमें ये स्टोरी नहीं दिखाई गई है हनुमान जी की। तो इसीलिए इस मूवी के बारे में रिव्यू में लेकर के आया हूँ ताकि जो रामायण को वध करने के समय पर जो हनुमान जी की भूमिका थी वो क्या थी और उन्होंने क्या क्या मतलब जो अनटोल्ड स्टोरी है एक तरह से मतलब जो नहीं बताया गया है रामायण वगैरह में वो आपको जानने के लिए मिले। तो दोस्तों, मूवी के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अपने चैनल पर मैं अच्छी और बुरी दोनों तरह की मूवीज़ के रिव्यू डालता हूं। एंड रिव्यू डालने का उद्देश्य यही होता है कि आप मूवी देखने से पहले मेरी मूवी का रिव्यू देखें और ये तय कर पाएँ कि कौन सी मूवी अच्छी है और कौन सी मूवी आपको देखनी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि आप ख़राब मूवी देख करके अपना टाइम वेस्ट करें। तो दोस्तों, और बता दूं कि अपने चैनल पर मैं सिर्फ मूवी से जुड़ी हुई जानकारी एंड मूवी की शॉर्ट में स्टोरी आपको बताता हूं, कंप्लीट मूवी या फिर मूवी की क्लिप अपलोड नहीं कर पाता हूं यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से। एंड आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे इस रिव्यू को मात्र 3 से 4 मिनट तक ज़रूर देखें, आपको ज़रूर मदद मिलेगी ये जानने में कि इस मूवी को आपको देखना चाहिए या नहीं। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं मूवी की डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले मैं बात करूँ IMDb रेटिंग के बारे में, तो मूवी ने 10 में से 7
की रेटिंग प्राप्त की है, जो कि दर्शाती है कि मूवी की स्टोरी अच्छी है। अगर मैं बात करूँ पर्सनल फीडबैक की, तो वाकई में अगर आपको कार्टून मूवी देखना पसंद नहीं है तो ये मूवी आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये एक तरह से आप बोल सकते हैं एनिमेटेड मूवी है। अगर जो एनिमेटेड मूवी के फ़ैन हैं डेफिनेटली उनको ये मूवी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, लेकिन अगर आप राम जी और हनुमान जी से जुड़ी हुई कुछ अलग चीज़ें जानना चाहते हैं तो ये भी आपके लिए एक अच्छी मूवी रहेगी। तो दोस्तों बात करें अदर डिटेल्स के बारे में, तो यह 2018 की हिंदी भाषा की एडवेंचर 2D और 3D मूवी है, जिसे डायरेक्ट किया गया है एजहल वंदन के द्वारा। बात करूँ मूवी की स्टोरी के बारे में, तो इस मूवी के अंदर दिखाया गया है कि देवी सीता को बचाने के लिए और लंकापति रावण को हराने के लिए हनुमान जी अपनी यात्रा आरंभ करते हैं। अपने राज्य की रक्षा के लिए मतलब रावण अपने राज्य की रक्षा करने के लिए अपने सबसे शक्तिशाली और सहायक और भाई को, जिसका नाम होता है मही रावण, उसको भेजता है हनुमान से लड़ने के लिए और हनुमान जी को हराने के लिए। लेकिन क्या वो हनुमान जी को हरा पाता है या नहीं, ये जानने के लिए मूवी देखिएगा, इंटरेस्ट आपको आएगा। जैसे रिजल्ट तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि हनुमान जी को कोई हरा ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी मैं आपका इंटरेस्ट नहीं ख़राब नहीं करना चाहता ये बता करके कि किस किस तरह से मूवी के अंदर हनुमान जी ने मही रावण से युद्ध किया और कैसे उनको हराया। तो यह जानने के लिए आप मूवी देखिएगा, मूवी डेफिनेटली आपको पसंद आएगी। बात करूँ अदर डिटेल्स की, मूवी की कहानी को लिखा गया है नारायण विद्यानाथन के द्वारा एंड मूवी बेस्ड है रामायण बाई वाल्मीकि, जो वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी थी उसके ऊपर बेस्ड है। मूवी को प्रोड्यूस किया गया है राजीव चिलाका ने और प्रोड्यूस किया गया है समीर जैन और श्रीनिवास एंड चिलाका कल पुदी, इन सभी के द्वारा मूवी को प्रोड्यूस किया गया है। मूवी को प्रोडक्शन कंपनी थी मूवी की ग्रीन गोल्ड एनिमेशन एंड मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था रिसर्च फिल्म्स के द्वारा। 6 जुलाई 2018 में मूवी को रिलीज़ किया गया था। 96 मिनट की यह मूवी है और हिंदी और तमिल दो लैंग्वेजेस में मूवी अवेलेबल है। तो दोस्तों एक बार मूवी को ज़रूर देखिएगा, आपको पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यू में, और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हनुमान वर्सेस मही रावण मूवी का रिव्यू। दोस्तों इस मूवी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और इसमें एक ऐसी कहानी दिखाई गई है जो अभी तक किसी भी रामायण में या बहुत सारे मतलब जो टीवी सीरियल्स आए हैं रामायण के ऊपर या रामायण मूवी आई है उसमें ये स्टोरी नहीं दिखाई गई है हनुमान जी की। तो इसीलिए इस मूवी के बारे में रिव्यू में लेकर के आया हूँ, ताकि जो रामायण को वध करने के समय पर जो हनुमान जी की भूमिका थी वो क्या थी और उन्होंने क्या क्या मतलब जो अनटोल्ड स्टोरी है एक तरह से, मतलब जो नहीं बताया गया है रामायण वगैरह में, वो आपको जानने के लिए मिले। तो दोस्तों मूवी के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अपने चैनल पर मैं अच्छी और बुरी दोनों तरह की मूवीज़ के रिव्यू डालता हूं, एंड रिव्यू डालने का उद्देश्य यही होता है कि आप मूवी देखने से पहले मेरी मूवी का रिव्यू देखें और ये तय कर पाएँ कि कौन सी मूवी अच्छी है और कौन सी मूवी आपको देखनी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि आप ख़राब मूवी देख करके अपना टाइम वेस्ट करें। तो दोस्तों और बता दूं कि अपने चैनल पर मैं सिर्फ मूवी से जुड़ी हुई जानकारी एंड मूवी की शॉर्ट में स्टोरी आपको बताता हूं, कंप्लीट मूवी या फिर मूवी की क्लिप अपलोड नहीं कर पाता हूं यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से। एंड आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे इस रिव्यू को मात्र 3 से 4 मिनट तक ज़रूर देखें, आपको ज़रूर मदद मिलेगी ये जानने में कि इस मूवी को आपको देखना चाहिए या नहीं। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी की डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले मैं बात करूँ IMDb रेटिंग के बारे में, तो मूवी ने 10 में से 7 की रेटिंग प्राप्त की है, जो कि दर्शाती है कि मूवी की स्टोरी अच्छी है। अगर मैं बात करूं पर्सनल फीडबैक की, तो वाकई में अगर आपको कार्टून मूवी देखना पसंद नहीं है तो ये मूवी आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये एक तरह से आप बोल सकते हैं एनिमेटेड मूवी है। अगर जो एनिमेटेड मूवी के फ़ैन हैं डेफिनेटली उनको ये मूवी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, लेकिन अगर आप राम जी और हनुमान जी से जुड़ी हुई कुछ अलग चीज़ें जानना चाहते हैं तो ये भी आपके लिए एक अच्छी मूवी रहेगी। तो दोस्तों बात करें अदर डिटेल्स के बारे में, तो यह 2018 की हिंदी भाषा की एडवेंचर 2D और 3D मूवी है, जिसे डायरेक्ट किया गया है एजहल वंदन के द्वारा। बात करूँ मूवी की स्टोरी के बारे में, तो इस मूवी के अंदर दिखाया गया है कि देवी सीता को बचाने के लिए और लंकापति रावण को हराने के लिए हनुमान जी अपनी यात्रा आरंभ करते हैं। अपने राज्य की रक्षा के लिए मतलब रावण अपने राज्य की रक्षा करने के लिए अपने सबसे शक्तिशाली और सहायक और भाई को, जिसका नाम होता है मही रावण, उसको भेजता है हनुमान से लड़ने के लिए और हनुमान जी को हराने के लिए। लेकिन क्या वो हनुमान जी को हरा पाता है या नहीं, ये जानने के लिए मूवी देखिएगा, इंटरेस्ट आपको आएगा। जैसे रिजल्ट तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि हनुमान जी को कोई हरा ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी मैं आपका इंटरेस्ट नहीं ख़राब नहीं करना चाहता ये बता करके कि किस किस तरह से मूवी के अंदर हनुमान जी ने मही रावण से
युद्ध किया और कैसे उनको हराया, तो यह जानने के लिए आप मूवी देखिएगा, मूवी डेफिनेटली आपको पसंद आएगी। बात करूँ अदर डिटेल्स की, मूवी की कहानी को लिखा गया है नारायण विद्यानाथन के द्वारा एंड मूवी बेस्ड है रामायण बाई वाल्मीकि, जो वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी थी उसके ऊपर बेस्ड है। मूवी को प्रोड्यूस किया गया है राजीव चिलाका ने और प्रोड्यूस किया गया है समीर जैन और श्रीनिवास एंड चिलाका कल पुदी, इन सभी के द्वारा मूवी को प्रोड्यूस किया गया है। मूवी को प्रोडक्शन कंपनी थी मूवी की ग्रीन गोल्ड एनिमेशन एंड मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था यशराज फिल्म्स के द्वारा। 6 जुलाई 2018 में मूवी को रिलीज़ किया गया था। 96 मिनट की यह मूवी है और हिंदी और तमिल दो लैंग्वेजेस में मूवी अवेलेबल है। तो दोस्तों एक बार मूवी को ज़रूर देखिएगा, आपको पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यू में और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हनुमान वर्सेस मही रावण मूवी का रिव्यू। दोस्तों इस मूवी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और इसमें एक ऐसी कहानी दिखाई गई है जो अभी तक किसी भी रामायण में या बहुत सारे मतलब जो टीवी सीरियल्स आए हैं रामायण के ऊपर या रामायण मूवी आई है उसमें ये स्टोरी नहीं दिखाई गई है हनुमान जी की। तो इसीलिए इस मूवी के बारे में रिव्यू में लेकर के आया हूँ ताकि जो रामायण के रावण को वध करने के समय पर जो हनुमान जी की भूमिका थी वो क्या थी और उन्होंने क्या क्या मतलब जो अनटोल्ड स्टोरी है एक तरह से मतलब जो नहीं बताया गया है रामायण वगैरह में वो आपको जानने के लिए मिले। तो दोस्तों मूवी के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अपने चैनल पर मैं अच्छी और बुरी दोनों तरह की मूवीज़ के रिव्यू डालता हूं एंड रिव्यू डालने का उद्देश्य यही होता है कि आप मूवी देखने से पहले मेरी मूवी का रिव्यू देखें और ये तय कर पाएँ कि कौन सी मूवी अच्छी है और कौन सी मूवी आपको देखनी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि आप ख़राब मूवी देख करके अपना टाइम वेस्ट करें। तो दोस्तों और बता दूं कि अपने चैनल पर मैं सिर्फ मूवी से जुड़ी हुई जानकारी एंड मूवी की शॉर्ट में स्टोरी आपको बताता हूं, कंप्लीट मूवी या फिर मूवी की क्लिप अपलोड नहीं कर पाता हूं यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से। एंड आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे इस रिव्यू को मात्र 3 से 4 मिनट तक ज़रूर देखें, आपको ज़रूर मदद मिलेगी ये जानने में कि इस मूवी को आपको देखना चाहिए या नहीं। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी की डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले मैं बात करूँ IMDb रेटिंग के बारे में, तो मूवी ने 10 में से 7 की रेटिंग प्राप्त की है जो कि दर्शाती है कि मूवी की स्टोरी अच्छी है। अगर मैं बात करूं पर्सनल फीडबैक की तो वाकई में अगर आपको कार्टून मूवी देखना पसंद नहीं है तो ये मूवी आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये एक तरह से आप बोल सकते हैं एनिमेटेड मूवी है। अगर जो एनिमेटेड मूवी के फ़ैन हैं डेफिनेटली उनको ये मूवी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, लेकिन अगर आप राम जी और हनुमान जी से जुड़ी हुई कुछ अलग चीज़ें जानना चाहते हैं तो ये भी आपके लिए एक अच्छी मूवी रहेगी। तो दोस्तों बात करें अदर डिटेल्स के बारे में, तो यह 2018 की हिंदी भाषा की एडवेंचर 2D और 3D मूवी है जिसे डायरेक्ट किया गया है एजहल वंदन के द्वारा। बात करूँ मूवी की स्टोरी के बारे में, तो इस मूवी के अंदर दिखाया गया है कि देवी सीता को बचाने के लिए और लंकापति रावण को हराने के लिए हनुमान जी अपनी यात्रा आरंभ करते हैं अपने राज्य की रक्षा के लिए। मतलब रावण अपने राज्य की रक्षा करने के लिए अपने सबसे शक्तिशाली और सहायक और भाई को, जिसका नाम होता है मही रावण, उसको भेजता है हनुमान से लड़ने के लिए और हनुमान जी को हराने के लिए। लेकिन क्या वो हनुमान जी को हरा पाता है या नहीं ये जानने के लिए मूवी देखिएगा, इंटरेस्ट आपको आएगा। जैसे रिजल्ट तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि हनुमान जी को कोई हरा ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी मैं आपका इंटरेस्ट नहीं ख़राब नहीं करना चाहता ये बता करके कि किस किस तरह से मूवी के अंदर हनुमान जी ने मही रावण से युद्ध किया और कैसे उनको हराया। तो यह जानने के लिए आप मूवी देखिएगा, मूवी डेफिनेटली आपको पसंद आएगी। बात करूँ अदर डिटेल्स की, मूवी की कहानी को लिखा गया है नारायण विद्यानाथन के द्वारा एंड मूवी बेस्ड है रामायण बाई वाल्मीकि, जो वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी थी उसके ऊपर बेस्ड है। मूवी को प्रोड्यूस किया गया है राजीव चिलाका ने और प्रोड्यूस किया गया है समीर जैन और श्रीनिवास एंड चिलाका कल पुदी, इन सभी के द्वारा मूवी को प्रोड्यूस किया गया है। मूवी को प्रोडक्शन कंपनी थी मूवी की ग्रीन गोल्ड एनिमेशन एंड मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था यशराज फिल्म्स के द्वारा। 6 जुलाई 2018 में मूवी को रिलीज़ किया गया था। 96 मिनट की यह मूवी है और हिंदी और तमिल दो लैंग्वेजेस में मूवी अवेलेबल है। तो दोस्तों एक बार मूवी को ज़रूर देखिएगा, आपको पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यू में और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हनुमान वर्सेस मही रावण मूवी का रिव्यू। दोस्तों इस मूवी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और इसमें एक ऐसी कहानी दिखाई गई है जो अभी तक किसी भी रामायण में या बहुत सारे मतलब जो टीवी सीरियल्स आए हैं रामायण के ऊपर या रामायण मूवी आई है उसमें ये स्टोरी नहीं दिखाई गई है हनुमान जी की। तो इसीलिए इस मूवी के बारे में रिव्यू में लेकर के आया हूँ ताकि जो रामायण के रावण को वध करने के समय पर जो हनुमान जी की भूमिका थी
वो क्या थी और उन्होंने क्या क्या, मतलब जो अनटोल्ड स्टोरी है एक तरह से, मतलब जो नहीं बताया गया है रामायण वगैरह में, वो आपको जानने के लिए मिले। तो दोस्तों बात कर मूवी के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अपने चैनल पर मैं अच्छी और बुरी दोनों तरह की मूवीज़ के रिव्यू डालता हूं। एंड रिव्यू डालने का उद्देश्य यही होता है कि आप मूवी देखने से पहले मेरी मूवी का रिव्यू देखें और ये तय कर पाएँ कि कौन सी मूवी अच्छी है और कौन सी मूवी आपको देखनी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि आप ख़राब मूवी देख करके अपना टाइम वेस्ट करें। तो दोस्तों और बता दूं कि अपने चैनल पर मैं सिर्फ मूवी से जुड़ी हुई जानकारी एंड मूवी की शॉर्ट में स्टोरी आपको बताता हूं, कंप्लीट मूवी या फिर मूवी की क्लिप अपलोड नहीं कर पाता हूं यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से। एंड आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे इस रिव्यू को मात्र 3 से 4 मिनट तक ज़रूर देखें, आपको ज़रूर मदद मिलेगी ये जानने में कि इस मूवी को आपको देखना चाहिए या नहीं। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी की डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले मैं बात करूँगा IMDb रेटिंग के बारे में। तो मूवी ने 10 में से 7 की रेटिंग प्राप्त की है जो कि दर्शाती है कि मूवी की स्टोरी अच्छी है। अगर मैं बात करूं पर्सनल फीडबैक की तो वाकई में अगर आपको कार्टून मूवी देखना पसंद नहीं है तो ये मूवी आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये एक तरह से आप बोल सकते हैं एनिमेटेड मूवी है। अगर जो एनिमेटेड मूवी के फ़ैन हैं डेफिनेटली उनको ये मूवी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, लेकिन अगर आप राम जी और हनुमान जी से जुड़ी हुई कुछ अलग चीज़ें जानना चाहते हैं तो ये भी आपके लिए एक अच्छी मूवी रहेगी। तो दोस्तों बात करें अदर डिटेल्स के बारे में, तो यह 2018 की हिंदी भाषा की एडवेंचर 2D और 3D मूवी है जिसे डायरेक्ट किया गया है एजहल वंदन के द्वारा। बात करूं मूवी की स्टोरी के बारे में, तो इस मूवी के अंदर दिखाया गया है कि देवी सीता को बचाने के लिए और लंकापति रावण को हराने के लिए हनुमान जी अपनी यात्रा आरंभ करते हैं अपने राज्य की रक्षा के लिए। मतलब रावण अपने राज्य की रक्षा करने के लिए अपने सबसे शक्तिशाली और सहायक और भाई को, जिसका नाम होता है मही रावण, उसको भेजता है हनुमान से लड़ने के लिए और हनुमान जी को हराने के लिए। लेकिन क्या वो हनुमान जी को हरा पाता है या नहीं, ये जानने के लिए मूवी देखिएगा, इंटरेस्ट आपको आएगा। जैसे रिजल्ट तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि हनुमान जी को कोई हरा ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी मैं आपका इंटरेस्ट नहीं ख़राब नहीं करना चाहता ये बता करके कि किस किस तरह से मूवी मूवी के अंदर हनुमान जी ने मही रावण से युद्ध किया और कैसे उनको हराया। तो यह जानने के लिए आप मूवी देखिएगा, मूवी डेफिनेटली आपको पसंद आएगी। बात करूँ अदर डिटेल्स की, मूवी की कहानी को लिखा गया है नारायण विद्यानाथन के द्वारा एंड मूवी बेस्ड है रामायण बाई वाल्मीकि, जो वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी थी उसके ऊपर बेस्ड है। मूवी को प्रोड्यूस किया गया है राजीव चिलाका ने और प्रोड्यूस किया गया है समीर जैन और श्रीनिवास एंड चिलाका कल पुदी, इन सभी के द्वारा मूवी को प्रोड्यूस किया गया है। मूवी को प्रोडक्शन कंपनी थी मूवी की ग्रीन गोल्ड एनिमेशन एंड मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था यशराज फिल्म्स के द्वारा। 6 जुलाई 2018 में मूवी को रिलीज़ किया गया था। 96 मिनट की यह मूवी है और हिंदी और तमिल दो लैंग्वेजेस में मूवी अवेलेबल है। तो दोस्तों एक बार मूवी को ज़रूर देखिएगा, आपको पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यू में, और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हनुमान वर्सेस मही रावण मूवी का रिव्यू। दोस्तों इस मूवी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और इसमें एक ऐसी कहानी दिखाई गई है जो अभी तक किसी भी रामायण में या बहुत सारे मतलब जो टीवी सीरियल्स आए हैं रामायण के ऊपर या रामायण मूवी आई है उसमें ये स्टोरी नहीं दिखाई गई है हनुमान जी की। तो इसीलिए इस मूवी के बारे में रिव्यू में लेकर के आया हूँ ताकि जो रामायण के रावण को वध करने के समय पर जो हनुमान जी की भूमिका थी वो क्या थी और उन्होंने क्या क्या, मतलब जो अनटोल्ड स्टोरी है एक तरह से, मतलब जो नहीं बताया गया है रामायण वगैरह में, वो आपको जानने के लिए मिले। तो दोस्तों मूवी के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अपने चैनल पर मैं अच्छी और बुरी दोनों तरह की मूवीज़ के रिव्यू डालता हूं। एंड रिव्यू डालने का उद्देश्य यही होता है कि आप मूवी देखने से पहले मेरी मूवी का रिव्यू देखें और ये तय कर पाएँ कि कौन सी मूवी अच्छी है और कौन सी मूवी आपको देखनी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि आप ख़राब मूवी देख करके अपना टाइम वेस्ट करें। तो दोस्तों और बता दूं कि अपने चैनल पर मैं सिर्फ मूवी से जुड़ी हुई जानकारी एंड मूवी की शॉर्ट में स्टोरी आपको बताता हूं, कंप्लीट मूवी या फिर मूवी की क्लिप अपलोड नहीं कर पाता हूं यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से। एंड आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे इस रिव्यू को मात्र 3 से 4 मिनट तक ज़रूर देखें, आपको ज़रूर मदद मिलेगी ये जानने में कि इस मूवी को आपको देखना चाहिए या नहीं। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी की डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले मैं बात करूँ IMDb रेटिंग के बारे में। तो मूवी ने 10 में से 7 की रेटिंग प्राप्त की है जो कि दर्शाती है कि मूवी की स्टोरी अच्छी है। अगर मैं बात करूं पर्सनल फीडबैक की तो वाकई में अगर आपको कार्टून मूवी देखना पसंद नहीं है तो ये मूवी आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये एक तरह से आप बोल सकते हैं एनिमेटेड मूवी है। अगर जो एनिमेटेड मूवी के फ़ैन हैं डेफिनेटली उनको ये मूवी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, लेकिन अगर आप राम जी और हनुमान जी से जुड़ी हुई कुछ अलग चीज़ें जानना चाहते हैं तो ये भी आपके लिए एक अच्छी मूवी रहेगी।
तो दोस्तों बात करें अदर डिटेल्स के बारे में, तो यह 2018 की हिंदी भाषा की एडवेंचर 2D और 3D मूवी है जिसे डायरेक्ट किया गया है अज़हल वंदन के द्वारा। बात करूँ मूवी की स्टोरी के बारे में, तो इस मूवी के अंदर दिखाया गया है कि देवी सीता को बचाने के लिए और लंकापति रावण को हराने के लिए हनुमान जी अपनी यात्रा आरंभ करते हैं। अपने राज्य की रक्षा के लिए मतलब रावण अपने राज्य की रक्षा करने के लिए अपने सबसे शक्तिशाली और सहायक और भाई को, जिसका नाम होता है मही रावण, उसको भेजता है हनुमान से लड़ने के लिए और हनुमान जी को हराने के लिए। लेकिन क्या वो हनुमान जी को हरा पाता है या नहीं, ये जानने के लिए मूवी देखिएगा, इंटरेस्ट आपको आएगा। जैसे रिजल्ट तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि हनुमान जी को कोई हरा ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी मैं आपका इंटरेस्ट नहीं ख़राब नहीं करना चाहता ये बता करके कि किस किस तरह से मूवी के अंदर हनुमान जी ने मही रावण से युद्ध किया और कैसे उनको हराया। तो यह जानने के लिए आप मूवी देखिएगा, मूवी डेफिनेटली आपको पसंद आएगी। बात करूँ अदर डिटेल्स की, मूवी की कहानी को लिखा गया है नारायण विद्यानाथन के द्वारा एंड मूवी बेस्ड है रामायण भाई वाल्मीकि, जो वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी थी उसके ऊपर बेस्ड है। मूवी को प्रोड्यूस किया गया है राजीव चिलाका ने और प्रोड्यूस किया गया है समीर जैन और श्रीनिवास एंड चिलाका कल पुदी, इन सभी के द्वारा मूवी को प्रोड्यूस किया गया है। मूवी को प्रोडक्शन कंपनी थी मूवी की ग्रीन गोल्ड एनिमेशन एंड मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था रिसर्च फिल्म्स के द्वारा। 6 जुलाई 2018 में मूवी को रिलीज़ किया गया था। 96 मिनट की यह मूवी है और हिंदी और तमिल दो लैंग्वेजेस में मूवी अवेलेबल है। तो दोस्तों एक बार मूवी को ज़रूर देखिएगा, आपको पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यू में, और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हनुमान वर्सेस मही रावण मूवी का रिव्यू। दोस्तों इस मूवी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और इसमें एक ऐसी कहानी दिखाई गई है जो अभी तक किसी भी रामायण में या बहुत सारे मतलब जो टीवी सीरियल्स आए हैं रामायण के ऊपर या रामायण मूवी आई है उसमें ये स्टोरी नहीं दिखाई गई है हनुमान जी की। तो इसीलिए इस मूवी के बारे में रिव्यू में लेकर के आया हूँ ताकि जो रामायण के रावण को वध करने के समय पर जो हनुमान जी की भूमिका थी वो क्या थी और उन्होंने क्या क्या मतलब जो अनटोल्ड स्टोरी है एक तरह से, मतलब जो नहीं बताया गया है रामायण वगैरह में, वो आपको जानने के लिए मिले। तो दोस्तों मूवी के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अपने चैनल पर मैं अच्छी और बुरी दोनों तरह की मूवीज़ के रिव्यू डालता हूं एंड रिव्यू डालने का उद्देश्य यही होता है कि आप मूवी देखने से पहले मेरी मूवी का रिव्यू देखें और ये तय कर पाएँ कि कौन सी मूवी अच्छी है और कौन सी मूवी आपको देखनी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि आप ख़राब मूवी देख करके अपना टाइम वेस्ट करें। तो दोस्तों और बता दूं कि अपने चैनल पर मैं सिर्फ मूवी से जुड़ी हुई जानकारी एंड मूवी की शॉर्ट में स्टोरी आपको बताता हूं, कंप्लीट मूवी या फिर मूवी की क्लिप अपलोड नहीं कर पाता हूं यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से। एंड आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे इस रिव्यू को मात्र 3 से 4 मिनट तक ज़रूर देखें, आपको ज़रूर मदद मिलेगी ये जानने में कि इस मूवी को आपको देखना चाहिए या नहीं। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी की डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले मैं बात करूँ IMDb रेटिंग के बारे में, तो मूवी ने 10 में से 7 की रेटिंग प्राप्त की है जो कि दर्शाती है कि मूवी की स्टोरी अच्छी है। अगर मैं बात करूँ पर्सनल फीडबैक की, तो वाकई में अगर आपको कार्टून मूवी देखना पसंद नहीं है तो ये मूवी आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये एक तरह से आप बोल सकते हैं एनिमेटेड मूवी है। अगर जो एनिमेटेड मूवी के फ़ैन हैं डेफिनेटली उनको ये मूवी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, लेकिन अगर आप राम जी और हनुमान जी से जुड़ी हुई कुछ अलग चीज़ें जानना चाहते हैं तो ये भी आपके लिए एक अच्छी मूवी रहेगी। तो दोस्तों बात करें अदर डिटेल्स के बारे में, तो यह 2018 की हिंदी भाषा की एडवेंचर 2D और 3D मूवी है जिसे डायरेक्ट किया गया है अज़हल वंदन के द्वारा। बात करूँ मूवी की स्टोरी के बारे में, तो इस मूवी के अंदर दिखाया गया है कि देवी सीता को बचाने के लिए और लंकापति रावण को हराने के लिए हनुमान जी अपनी यात्रा आरंभ करते हैं। अपने राज्य की रक्षा के लिए मतलब रावण अपने राज्य की रक्षा करने के लिए अपने सबसे शक्तिशाली और सहायक और भाई को, जिसका नाम होता है मही रावण, उसको भेजता है हनुमान से लड़ने के लिए और हनुमान जी को हराने के लिए। लेकिन क्या वो हनुमान जी को हरा पाता है या नहीं, ये जानने के लिए मूवी देखिएगा, इंटरेस्ट आपको आएगा। जैसे रिजल्ट तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि हनुमान जी को कोई हरा ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी मैं आपका इंटरेस्ट नहीं ख़राब नहीं करना चाहता ये बता करके कि किस किस तरह से मूवी के अंदर हनुमान जी ने मही रावण से युद्ध किया और कैसे उनको हराया। तो यह जानने के लिए आप मूवी देखिएगा, मूवी डेफिनेटली आपको पसंद आएगी। बात करूँ अदर डिटेल्स की, मूवी की कहानी को लिखा गया है नारायण विद्यानाथन के द्वारा एंड मूवी बेस्ड है रामायण भाई वाल्मीकि, जो वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी थी उसके ऊपर बेस्ड है। मूवी को प्रोड्यूस किया गया है राजीव चिलाका ने और प्रोड्यूस किया गया है समीर जैन और श्रीनिवास एंड चिलाका
कल पुदी इन सभी के द्वारा मूवी को प्रोड्यूस किया गया है। मूवी को प्रोडक्शन कंपनी थी मूवी की ग्रीन गोल्ड एनिमेशन, एंड मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था रिसर्च फिल्म्स के द्वारा। 6 जुलाई 2018 में मूवी को रिलीज़ किया गया था। 96 मिनट की यह मूवी है और हिंदी और तमिल दो लैंग्वेजेस में मूवी अवेलेबल है। तो दोस्तों एक बार मूवी को ज़रूर देखिएगा, आपको पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यू में, और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हनुमान वर्सेस मही रावण मूवी का रिव्यू। दोस्तों इस मूवी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, और इसमें एक ऐसी कहानी दिखाई गई है जो अभी तक किसी भी रामायण में या बहुत सारे मतलब जो टीवी सीरियल्स आए हैं रामायण के ऊपर या रामायण मूवी आई है उसमें ये स्टोरी नहीं दिखाई गई है हनुमान जी की। तो इसीलिए इस मूवी के बारे में रिव्यू में लेकर के आया हूँ, ताकि जो रामायण को वध करने के समय पर जो हनुमान जी की भूमिका थी वो क्या थी, और उन्होंने क्या क्या मतलब जो अनटोल्ड स्टोरी है एक तरह से, मतलब जो नहीं बताया गया है रामायण वगैरह में, वो आपको जानने के लिए मिले। तो दोस्तों मूवी के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अपने चैनल पर मैं अच्छी और बुरी दोनों तरह की मूवीज़ के रिव्यू डालता हूं, एंड रिव्यू डालने का उद्देश्य यही होता है कि आप मूवी देखने से पहले मेरी मूवी का रिव्यू देखें और ये तय कर पाएँ कि कौन सी मूवी अच्छी है और कौन सी मूवी आपको देखनी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि आप ख़राब मूवी देख करके अपना टाइम वेस्ट करें। तो दोस्तों और बता दूं कि अपने चैनल पर मैं सिर्फ मूवी से जुड़ी हुई जानकारी एंड मूवी की शॉर्ट में स्टोरी आपको बताता हूं, कंप्लीट मूवी या फिर मूवी की क्लिप अपलोड नहीं कर पाता हूं यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से। एंड आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे इस रिव्यू को मात्र 3 से 4 मिनट तक ज़रूर देखें, आपको ज़रूर मदद मिलेगी ये जानने में कि इस मूवी को आपको देखना चाहिए या नहीं। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी की डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले मैं बात करूँ IMDB रेटिंग के बारे में, तो मूवी ने 10 में से 7 की रेटिंग प्राप्त की है, जो कि दर्शाती है कि मूवी की स्टोरी अच्छी है। अगर मैं बात करूं पर्सनल फीडबैक की, तो वाकई में अगर आपको कार्टून मूवी देखना पसंद नहीं है तो ये मूवी आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये एक तरह से आप बोल सकते हैं एनिमेटेड मूवी है। अगर जो एनिमेटेड मूवी के फ़ैन हैं डेफिनेटली उनको ये मूवी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, लेकिन अगर आप राम जी और हनुमान जी से जुड़ी हुई कुछ अलग चीज़ें जानना चाहते हैं तो ये भी आपके लिए एक अच्छी मूवी रहेगी। तो दोस्तों बात करें अदर डिटेल्स के बारे में, तो यह 2018 की हिंदी भाषा की एडवेंचर 2D और 3D मूवी है, जिसे डायरेक्ट किया गया है एजहल वंदन के द्वारा। बात करूँ मूवी की स्टोरी के बारे में, तो इस मूवी के अंदर दिखाया गया है कि देवी सीता को बचाने के लिए और लंकापति रावण को हराने के लिए हनुमान जी अपनी यात्रा आरंभ करते हैं। अपने राज्य की रक्षा के लिए मतलब रावण अपने राज्य की रक्षा करने के लिए अपने सबसे शक्तिशाली और सहायक और भाई को, जिसका नाम होता है मही रावण, उसको भेजता है हनुमान से लड़ने के लिए और हनुमान जी को हराने के लिए। लेकिन क्या वो हनुमान जी को हरा पाता है या नहीं, ये जानने के लिए मूवी देखिएगा, इंटरेस्ट आपको आएगा। जैसे रिजल्ट तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि हनुमान जी को कोई हरा ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी मैं आपका इंटरेस्ट नहीं ख़राब नहीं करना चाहता ये बता करके कि किस किस तरह से मूवी के अंदर हनुमान जी ने मही रावण से युद्ध किया और कैसे उनको हराया। तो यह जानने के लिए आप मूवी देखिएगा, मूवी डेफिनेटली आपको पसंद आएगी। बात करूँ अदर डिटेल्स की, मूवी की कहानी को लिखा गया है नारायण विद्यानाथन के द्वारा, एंड मूवी बेस्ड है रामायण बाई वाल्मीकि, जो वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी थी उसके ऊपर बेस्ड है। मूवी को प्रोड्यूस किया गया है राजीव चिलाका ने, और प्रोड्यूस किया गया है समीर जैन और श्रीनिवास एंड चिलाका कल पुदी इन सभी के द्वारा मूवी को प्रोड्यूस किया गया है। मूवी को प्रोडक्शन कंपनी थी मूवी की ग्रीन गोल्ड एनिमेशन, एंड मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था रिसर्च फिल्म्स के द्वारा। 6 जुलाई 2018 में मूवी को रिलीज़ किया गया था। 96 मिनट की यह मूवी है और हिंदी और तमिल दो लैंग्वेजेस में मूवी अवेलेबल है। तो दोस्तों एक बार मूवी को ज़रूर देखिएगा, आपको पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यू में, और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हनुमान वर्सेस मही रावण मूवी का रिव्यू। दोस्तों इस मूवी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, और इसमें एक ऐसी कहानी दिखाई गई है जो अभी तक किसी भी रामायण में या बहुत सारे मतलब जो टीवी सीरियल्स आए हैं रामायण के ऊपर या रामायण मूवी आई है उसमें ये स्टोरी नहीं दिखाई गई है हनुमान जी की। तो इसीलिए इस मूवी के बारे में रिव्यू में लेकर के आया हूँ, ताकि जो रामायण को वध करने के समय पर जो हनुमान जी की भूमिका थी वो क्या थी, और उन्होंने क्या क्या मतलब जो अनटोल्ड स्टोरी है एक तरह से, मतलब जो नहीं बताया गया है रामायण वगैरह में, वो आपको जानने के लिए मिले। तो दोस्तों मूवी के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अपने चैनल पर मैं अच्छी और बुरी दोनों तरह की मूवीज़ के रिव्यू डालता हूं, एंड रिव्यू डालने का उद्देश्य यही होता है कि आप मूवी देखने से पहले मेरी मूवी का रिव्यू देखें और ये तय कर पाएँ कि कौन सी मूवी अच्छी है और कौन सी मूवी आपको देखनी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि आप ख़राब मूवी देख करके अपना टाइम वेस्ट करें।
तो दोस्तों और बता दूं कि अपने चैनल पर मैं सिर्फ मूवी से जुड़ी हुई जानकारी एंड मूवी की शॉर्ट में स्टोरी आपको बताता हूँ, कंप्लीट मूवी या फिर मूवी की क्लिप अपलोड नहीं कर पाता हूँ यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से। एंड आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे इस रिव्यू को मात्र 3 से 4 मिनट तक ज़रूर देखें, आपको ज़रूर मदद मिलेगी ये जानने में कि इस मूवी को आपको देखना चाहिए या नहीं। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी की डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले मैं बात करूँ IMDb रेटिंग के बारे में, तो मूवी ने 10 में से 7 की रेटिंग प्राप्त की है जो कि दर्शाती है कि मूवी की स्टोरी अच्छी है। अगर मैं बात करूँ पर्सनल फीडबैक की, तो वाकई में अगर आपको कार्टून मूवी देखना पसंद नहीं है तो ये मूवी आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये एक तरह से आप बोल सकते हैं एनिमेटेड मूवी है। अगर जो एनिमेटेड मूवी के फ़ैन हैं डेफिनेटली उनको ये मूवी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, लेकिन अगर आप राम जी और हनुमान जी से जुड़ी हुई कुछ अलग चीज़ें जानना चाहते हैं तो ये भी आपके लिए एक अच्छी मूवी रहेगी। तो दोस्तों बात करें अदर डिटेल्स के बारे में, तो यह 2018 की हिंदी भाषा की एडवेंचर 2D और 3D मूवी है जिसे डायरेक्ट किया गया है एजहल वंदन के द्वारा। बात करूँ मूवी की स्टोरी के बारे में, तो इस मूवी के अंदर दिखाया गया है कि देवी सीता को बचाने के लिए और लंकापति रावण को हराने के लिए हनुमान जी अपनी यात्रा आरंभ करते हैं। अपने राज्य की रक्षा के लिए मतलब रावण अपने राज्य की रक्षा करने के लिए अपने सबसे शक्तिशाली और सहायक और भाई को, जिसका नाम होता है मही रावण, उसको भेजता है हनुमान से लड़ने के लिए और हनुमान जी को हराने के लिए। लेकिन क्या वो हनुमान जी को हरा पाता है या नहीं, ये जानने के लिए मूवी देखिएगा, इंटरेस्ट आपको आएगा। जैसे रिजल्ट तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि हनुमान जी को कोई हरा ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी मैं आपका इंटरेस्ट नहीं ख़राब नहीं करना चाहता ये बता करके कि किस किस तरह से मूवी के अंदर हनुमान जी ने मही रावण से युद्ध किया और कैसे उनको हराया। तो यह जानने के लिए आप मूवी देखिएगा, मूवी डेफिनेटली आपको पसंद आएगी। बात करूँ अदर डिटेल्स की, मूवी की कहानी को लिखा गया है नारायण विद्यानाथन के द्वारा एंड मूवी बेस्ड है रामायण बाई वाल्मीकि, जो वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी थी उसके ऊपर बेस्ड है। मूवी को प्रोड्यूस किया गया है राजीव चिलाका ने और प्रोड्यूस किया गया है समीर जैन और श्रीनिवास एंड चिलाका कल पुदी, इन सभी के द्वारा मूवी को प्रोड्यूस किया गया है। मूवी को प्रोडक्शन कंपनी थी मूवी की ग्रीन गोल्ड एनिमेशन एंड मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था यशराज फिल्म्स के द्वारा। 6 जुलाई 2018 में मूवी को रिलीज़ किया गया था। 96 मिनट की यह मूवी है और हिंदी और तमिल दो लैंग्वेजेस में मूवी अवेलेबल है। तो दोस्तों एक बार मूवी को ज़रूर देखिएगा, आपको पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यू में, और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हनुमान वर्सेस मही रावण मूवी का रिव्यू। दोस्तों इस मूवी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और इसमें एक ऐसी कहानी दिखाई गई है जो अभी तक किसी भी रामायण में या बहुत सारे मतलब जो टीवी सीरियल्स आए हैं रामायण के ऊपर या रामायण मूवी आई है उसमें ये स्टोरी नहीं दिखाई गई है हनुमान जी की। तो इसीलिए इस मूवी के बारे में रिव्यू में लेकर के आया हूँ ताकि जो रामायण को वध करने के समय पर जो हनुमान जी की भूमिका थी वो क्या थी और उन्होंने क्या क्या मतलब जो अनटोल्ड स्टोरी है एक तरह से, मतलब जो नहीं बताया गया है रामायण वगैरह में, वो आपको जानने के लिए मिले। तो दोस्तों मूवी के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अपने चैनल पर मैं अच्छी और बुरी दोनों तरह की मूवीज़ के रिव्यू डालता हूं एंड रिव्यू डालने का उद्देश्य यही होता है कि आप मूवी देखने से पहले मेरी मूवी का रिव्यू देखें और ये तय कर पाएँ कि कौन सी मूवी अच्छी है और कौन सी मूवी आपको देखनी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि आप ख़राब मूवी देख करके अपना टाइम वेस्ट करें। तो दोस्तों और बता दूं कि अपने चैनल पर मैं सिर्फ मूवी से जुड़ी हुई जानकारी एंड मूवी की शॉर्ट में स्टोरी आपको बताता हूं, कंप्लीट मूवी या फिर मूवी की क्लिप अपलोड नहीं कर पाता हूं यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से। एंड आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे इस रिव्यू को मात्र 3 से 4 मिनट तक ज़रूर देखें, आपको ज़रूर मदद मिलेगी ये जानने में कि इस मूवी को आपको देखना चाहिए या नहीं। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी की डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले मैं बात करूँ IMDb रेटिंग के बारे में, तो मूवी ने 10 में से 7 की रेटिंग प्राप्त की है जो कि दर्शाती है कि मूवी की स्टोरी अच्छी है। अगर मैं बात करूं पर्सनल फीडबैक की, तो वाकई में अगर आपको कार्टून मूवी देखना पसंद नहीं है तो ये मूवी आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये एक तरह से आप बोल सकते हैं एनिमेटेड मूवी है। अगर जो एनिमेटेड मूवी के फ़ैन हैं डेफिनेटली उनको ये मूवी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, लेकिन अगर आप राम जी और हनुमान जी से जुड़ी हुई कुछ अलग चीज़ें जानना चाहते हैं तो ये भी आपके लिए एक अच्छी मूवी रहेगी। तो दोस्तों बात करें अदर डिटेल्स के बारे में, तो यह 2018 की हिंदी भाषा की एडवेंचर 2D और 3D मूवी है जिसे डायरेक्ट किया गया है एजहल वंदन के द्वारा। बात करूँ मूवी की स्टोरी के बारे में, तो इस मूवी के अंदर दिखाया गया है कि देवी सीता को बचाने के लिए और लंकापति रावण को हराने के लिए हनुमान जी अपनी यात्रा आरंभ करते हैं। अपने राज्य की रक्षा के लिए मतलब रावण अपने राज्य की रक्षा करने के लिए अपने सबसे शक्तिशाली
और सहायक और भाई को जिसका नाम होता है मई रावण, उसको भेजता है हनुमान से लड़ने के लिए और हनुमान जी को हराने के लिए। लेकिन क्या वो हनुमान जी को हरा पाता है या नहीं, ये जानने के लिए मूवी देखिएगा, इंटरेस्ट आपको आएगा। जैसे रिजल्ट तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि हनुमान जी को कोई हरा ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी मैं आपका इंटरेस्ट नहीं ख़राब नहीं करना चाहता ये बता करके कि किस किस तरह से मूवी मूवी के अंदर हनुमान जी ने मही रावण से युद्ध किया और कैसे उनको हराया। तो यह जानने के लिए आप मूवी देखिएगा, मूवी डेफिनेटली आपको पसंद आएगी। बात करूँ अदर डिटेल्स की, मूवी की कहानी को लिखा गया है नारायण विद्यानाथन के द्वारा एंड मूवी बेस्ड है रामायण बाई वाल्मीकि, जो वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी थी उसके ऊपर बेस्ड है। मूवी को प्रोड्यूस किया गया है राजीव चिलाका ने और प्रोड्यूस किया गया है समीर जैन और श्रीनिवास एंड चिलाका कल पुदी, इन सभी के द्वारा मूवी को प्रोड्यूस किया गया है। मूवी को प्रोडक्शन कंपनी थी मूवी की ग्रीन गोल्ड एनिमेशन एंड मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था यशराज फिल्म्स के द्वारा। 6 जुलाई 2018 में मूवी को रिलीज़ किया गया था। 96 मिनट की यह मूवी है और हिंदी और तमिल दो लैंग्वेजेस में मूवी अवेलेबल है। तो दोस्तों एक बार मूवी को ज़रूर देखिएगा, आपको पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यू में और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हनुमान वर्सेस मही रावण मूवी का रिव्यू। दोस्तों इस मूवी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और इसमें एक ऐसी कहानी दिखाई गई है जो अभी तक किसी भी रामायण में या बहुत सारे मतलब जो टीवी सीरियल्स आए हैं रामायण के ऊपर या रामायण मूवी आई है उसमें ये स्टोरी नहीं दिखाई गई है हनुमान जी की। तो इसीलिए इस मूवी के बारे में रिव्यू में लेकर के आया हूँ ताकि जो रामायण के रावण को वध करने के समय पर जो हनुमान जी की भूमिका थी वो क्या थी और उन्होंने क्या क्या मतलब जो अनटोल्ड स्टोरी है एक तरह से मतलब जो नहीं बताया गया है रामायण वगैरह में वो आपको जानने के लिए मिले। तो दोस्तों मूवी के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अपने चैनल पर मैं अच्छी और बुरी दोनों तरह की मूवीज़ के रिव्यू डालता हूं एंड रिव्यू डालने का उद्देश्य यही होता है कि आप मूवी देखने से पहले मेरी मूवी का रिव्यू देखें और ये तय कर पाएँ कि कौन सी मूवी अच्छी है और कौन सी मूवी आपको देखनी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि आप ख़राब मूवी देख करके अपना टाइम वेस्ट करें। तो दोस्तों और बता दूं कि अपने चैनल पर मैं सिर्फ मूवी से जुड़ी हुई जानकारी एंड मूवी की शॉर्ट में स्टोरी आपको बताता हूं, कंप्लीट मूवी या फिर मूवी की क्लिप अपलोड नहीं कर पाता हूं यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से। एंड आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे इस रिव्यू को मात्र 3 से 4 मिनट तक ज़रूर देखें, आपको ज़रूर मदद मिलेगी ये जानने में कि इस मूवी को आपको देखना चाहिए या नहीं। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी की डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले मैं बात करूँगा IMDb रेटिंग के बारे में, तो मूवी ने 10 में से 7 की रेटिंग प्राप्त की है जो कि दर्शाती है कि मूवी की स्टोरी अच्छी है। अगर मैं बात करूं पर्सनल फीडबैक की तो वाकई में अगर आपको कार्टून मूवी देखना पसंद नहीं है तो ये मूवी आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये एक तरह से आप बोल सकते हैं एनिमेटेड मूवी है। अगर जो एनिमेटेड मूवी के फ़ैन हैं डेफिनेटली उनको ये मूवी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, लेकिन अगर आप राम जी और हनुमान जी से जुड़ी हुई कुछ अलग चीज़ें जानना चाहते हैं तो ये भी आपके लिए एक अच्छी मूवी रहेगी। तो दोस्तों बात करें अदर डिटेल्स के बारे में, तो यह 2018 की हिंदी भाषा की एडवेंचर 2D और 3D मूवी है जिसे डायरेक्ट किया गया है एजहल वंदन के द्वारा। बात करूं मूवी की स्टोरी के बारे में, तो इस मूवी के अंदर दिखाया गया है कि देवी सीता को बचाने के लिए और लंकापति रावण को हराने के लिए हनुमान जी अपनी यात्रा आरंभ करते हैं। अपने राज्य की रक्षा के लिए मतलब रावण अपने राज्य की रक्षा करने के लिए अपने सबसे शक्तिशाली और सहायक और भाई को जिसका नाम होता है मही रावण उसको भेजता है हनुमान से लड़ने के लिए और हनुमान जी को हराने के लिए। लेकिन क्या वो हनुमान जी को हरा पाता है या नहीं ये जानने के लिए मूवी देखिएगा, इंटरेस्ट आपको आएगा। जैसे रिजल्ट तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि हनुमान जी को कोई हरा ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी मैं आपका इंटरेस्ट नहीं ख़राब नहीं करना चाहता ये बता करके कि किस किस तरह से मूवी के अंदर हनुमान जी ने मही रावण से युद्ध किया और कैसे उनको हराया। तो यह जानने के लिए आप मूवी देखिएगा, मूवी डेफिनेटली आपको पसंद आएगी। बात करूँ अदर डिटेल्स की, मूवी की कहानी को लिखा गया है नारायण विद्यानाथन के द्वारा एंड मूवी बेस्ड है रामायण बाई वाल्मीकि, जो वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी थी उसके ऊपर बेस्ड है। मूवी को प्रोड्यूस किया गया है राजीव चिलाका ने और प्रोड्यूस किया गया है समीर जैन और श्रीनिवास एंड चिलाका कल पुदी, इन सभी के द्वारा मूवी को प्रोड्यूस किया गया है। मूवी को प्रोडक्शन कंपनी थी मूवी की ग्रीन गोल्ड एनिमेशन एंड मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था यशराज फिल्म्स के द्वारा। 6 जुलाई 2018 में मूवी को रिलीज़ किया गया था। 96 मिनट की यह मूवी है और हिंदी और तमिल दो लैंग्वेजेस में मूवी अवेलेबल है। तो दोस्तों एक बार मूवी को ज़रूर देखिएगा, आपको पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल
थंडर रिव्यू में, और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हनुमान वर्सेस मही रावण मूवी का रिव्यू। दोस्तों, इस मूवी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, और इसमें एक ऐसी कहानी दिखाई गई है जो अभी तक किसी भी रामायण में या बहुत सारे मतलब जो टीवी सीरियल्स आए हैं रामायण के ऊपर या रामायण मूवी आई है उसमें ये स्टोरी नहीं दिखाई गई है हनुमान जी की। तो इसीलिए इस मूवी के बारे में रिव्यू में लेकर के आया हूँ, ताकि जो रामायण के रावण को वध करने के समय पर जो हनुमान जी की भूमिका थी वो क्या थी, और उन्होंने क्या क्या मतलब जो अनटोल्ड स्टोरी है एक तरह से, मतलब जो नहीं बताया गया है रामायण वगैरह में, वो आपको जानने के लिए मिले। तो दोस्तों, मूवी के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अपने चैनल पर मैं अच्छी और बुरी दोनों तरह की मूवीज़ के रिव्यू डालता हूं, एंड रिव्यू डालने का उद्देश्य यही होता है कि आप मूवी देखने से पहले मेरी मूवी का रिव्यू देखें और ये तय कर पाएँ कि कौन सी मूवी अच्छी है और कौन सी मूवी आपको देखनी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि आप ख़राब मूवी देख करके अपना टाइम वेस्ट करें। तो दोस्तों, और बता दूं कि अपने चैनल पर मैं सिर्फ मूवी से जुड़ी हुई जानकारी एंड मूवी की शॉर्ट में स्टोरी आपको बताता हूं, कंप्लीट मूवी या फिर मूवी की क्लिप अपलोड नहीं कर पाता हूं यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से। एंड आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे इस रिव्यू को मात्र 3 से 4 मिनट तक ज़रूर देखें, आपको ज़रूर मदद मिलेगी ये जानने में कि इस मूवी को आपको देखना चाहिए या नहीं। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं मूवी की डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले मैं बात करूँ IMDb रेटिंग के बारे में, तो मूवी ने 10 में से 7 की रेटिंग प्राप्त की है, जो कि दर्शाती है कि मूवी की स्टोरी अच्छी है। अगर मैं बात करूं पर्सनल फीडबैक की, तो वाकई में अगर आपको कार्टून मूवी देखना पसंद नहीं है तो ये मूवी आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये एक तरह से आप बोल सकते हैं एनिमेटेड मूवी है। अगर जो एनिमेटेड मूवी के फ़ैन हैं डेफिनेटली उनको ये मूवी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, लेकिन अगर आप राम जी और हनुमान जी से जुड़ी हुई कुछ अलग चीज़ें जानना चाहते हैं तो ये भी आपके लिए एक अच्छी मूवी रहेगी। तो दोस्तों, बात करें अदर डिटेल्स के बारे में, तो यह 2018 की हिंदी भाषा की एडवेंचर 2D और 3D मूवी है, जिसे डायरेक्ट किया गया है एजहल वंदन के द्वारा। बात करूं मूवी की स्टोरी के बारे में, तो इस मूवी के अंदर दिखाया गया है कि देवी सीता को बचाने के लिए और लंकापति रावण को हराने के लिए हनुमान जी अपनी यात्रा आरंभ करते हैं। अपने राज्य की रक्षा के लिए मतलब रावण अपने राज्य की रक्षा करने के लिए अपने सबसे शक्तिशाली और सहायक और भाई को, जिसका नाम होता है मही रावण, उसको भेजता है हनुमान से लड़ने के लिए और हनुमान जी को हराने के लिए। लेकिन क्या वो हनुमान जी को हरा पाता है या नहीं, ये जानने के लिए मूवी देखिएगा, इंटरेस्ट आपको आएगा। जैसे रिजल्ट तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि हनुमान जी को कोई हरा ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी मैं आपका इंटरेस्ट नहीं ख़राब नहीं करना चाहता ये बता करके कि किस किस तरह से मूवी के अंदर हनुमान जी ने मही रावण से युद्ध किया और कैसे उनको हराया। ये जानने के लिए आप मूवी देखिएगा, मूवी डेफिनेटली आपको पसंद आएगी। बात करूँ अदर डिटेल्स की, मूवी की कहानी को लिखा गया है नारायण विद्यानाथन के द्वारा, एंड मूवी बेस्ड है रामायण बाई वाल्मीकि, जो वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी थी उसके ऊपर बेस्ड है। मूवी को प्रोड्यूस किया गया है राजीव चिलाका ने, और प्रोड्यूस किया गया है समीर जैन और श्रीनिवास एंड चिलाका कल पुदी, इन सभी के द्वारा मूवी को प्रोड्यूस किया गया है। मूवी को प्रोडक्शन कंपनी थी मूवी की ग्रीन गोल्ड एनिमेशन, एंड मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था यशराज फिल्म्स के द्वारा। 6 जुलाई 2018 में मूवी को रिलीज़ किया गया था। 96 मिनट की यह मूवी है और हिंदी और तमिल दो लैंग्वेजेस में मूवी अवेलेबल है। तो दोस्तों, एक बार मूवी को ज़रूर देखिएगा, आपको पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यू में, और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हनुमान वर्सेस मही रावण मूवी का रिव्यू। दोस्तों, इस मूवी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, और इसमें एक ऐसी कहानी दिखाई गई है जो अभी तक किसी भी रामायण में या बहुत सारे मतलब जो टीवी सीरियल्स आए हैं रामायण के ऊपर या रामायण मूवी आई है उसमें ये स्टोरी नहीं दिखाई गई है हनुमान जी की। तो इसीलिए इस मूवी के बारे में रिव्यू में लेकर के आया हूँ, ताकि जो रामायण को वध करने के समय पर जो हनुमान जी की भूमिका थी वो क्या थी, और उन्होंने क्या क्या मतलब जो अनटोल्ड स्टोरी है एक तरह से, मतलब जो नहीं बताया गया है रामायण वगैरह में, वो आपको जानने के लिए मिले। तो दोस्तों, मूवी के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अपने चैनल पर मैं अच्छी और बुरी दोनों तरह की मूवीज़ के रिव्यू डालता हूं, एंड रिव्यू डालने का उद्देश्य यही होता है कि आप मूवी देखने से पहले मेरी मूवी का रिव्यू देखें और ये तय कर पाएँ कि कौन सी मूवी अच्छी है और कौन सी मूवी आपको देखनी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि आप ख़राब मूवी देख करके अपना टाइम वेस्ट करें। तो दोस्तों, और बता दूं कि अपने चैनल पर मैं सिर्फ मूवी से जुड़ी हुई जानकारी एंड मूवी की शॉर्ट में स्टोरी आपको बताता हूं, कंप्लीट मूवी या फिर मूवी की क्लिप अपलोड नहीं कर पाता हूं यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से। एंड आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे इस रिव्यू को मात्र 3 से 4 मिनट तक ज़रूर देखें, आपको ज़रूर मदद मिलेगी ये जानने में कि इस मूवी को आपको देखना चाहिए या नहीं। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं मूवी की डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले मैं बात करूँ IMDb रेटिंग के बारे में, तो मूवी ने 10 में से 7
की रेटिंग प्राप्त की है, जो कि दर्शाती है कि मूवी की स्टोरी अच्छी है। अगर मैं बात करूँ पर्सनल फीडबैक की, तो वाकई में अगर आपको कार्टून मूवी देखना पसंद नहीं है तो ये मूवी आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये एक तरह से आप बोल सकते हैं एनिमेटेड मूवी है। अगर जो एनिमेटेड मूवी के फ़ैन हैं डेफिनेटली उनको ये मूवी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, लेकिन अगर आप राम जी और हनुमान जी से जुड़ी हुई कुछ अलग चीज़ें जानना चाहते हैं तो ये भी आपके लिए एक अच्छी मूवी रहेगी। तो दोस्तों बात करें अदर डिटेल्स के बारे में, तो यह 2018 की हिंदी भाषा की एडवेंचर 2D और 3D मूवी है, जिसे डायरेक्ट किया गया है एजहल वंदन के द्वारा। बात करूँ मूवी की स्टोरी के बारे में, तो इस मूवी के अंदर दिखाया गया है कि देवी सीता को बचाने के लिए और लंकापति रावण को हराने के लिए हनुमान जी अपनी यात्रा आरंभ करते हैं। अपने राज्य की रक्षा के लिए मतलब रावण अपने राज्य की रक्षा करने के लिए अपने सबसे शक्तिशाली और सहायक और भाई को, जिसका नाम होता है मही रावण, उसको भेजता है हनुमान से लड़ने के लिए और हनुमान जी को हराने के लिए। लेकिन क्या वो हनुमान जी को हरा पाता है या नहीं, ये जानने के लिए मूवी देखिएगा, इंटरेस्ट आपको आएगा। जैसे रिजल्ट तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि हनुमान जी को कोई हरा ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी मैं आपका इंटरेस्ट नहीं ख़राब नहीं करना चाहता ये बता करके कि किस किस तरह से मूवी के अंदर हनुमान जी ने मही रावण से युद्ध किया और कैसे उनको हराया। तो यह जानने के लिए आप मूवी देखिएगा, मूवी डेफिनेटली आपको पसंद आएगी। बात करूँ अदर डिटेल्स की, मूवी की कहानी को लिखा गया है नारायण विद्यानाथन के द्वारा एंड मूवी बेस्ड है रामायण बाई वाल्मीकि, जो वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी थी उसके ऊपर बेस्ड है। मूवी को प्रोड्यूस किया गया है राजीव चिलाका ने और प्रोड्यूस किया गया है समीर जैन और श्रीनिवास एंड चिलाका कल पुदी, इन सभी के द्वारा मूवी को प्रोड्यूस किया गया है। मूवी को प्रोडक्शन कंपनी थी मूवी की ग्रीन गोल्ड एनिमेशन एंड मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था रिसर्च फिल्म्स के द्वारा। 6 जुलाई 2018 में मूवी को रिलीज़ किया गया था। 96 मिनट की यह मूवी है और हिंदी और तमिल दो लैंग्वेजेस में मूवी अवेलेबल है। तो दोस्तों एक बार मूवी को ज़रूर देखिएगा, आपको पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यू में, और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हनुमान वर्सेस मही रावण मूवी का रिव्यू। दोस्तों इस मूवी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और इसमें एक ऐसी कहानी दिखाई गई है जो अभी तक किसी भी रामायण में या बहुत सारे मतलब जो टीवी सीरियल्स आए हैं रामायण के ऊपर या रामायण मूवी आई है उसमें ये स्टोरी नहीं दिखाई गई है हनुमान जी की। तो इसीलिए इस मूवी के बारे में रिव्यू में लेकर के आया हूँ, ताकि जो रामायण के रावण को वध करने के समय पर जो हनुमान जी की भूमिका थी वो क्या थी और उन्होंने क्या क्या मतलब जो अनटोल्ड स्टोरी है एक तरह से, मतलब जो नहीं बताया गया है रामायण वगैरह में, वो आपको जानने के लिए मिले। तो दोस्तों मूवी के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अपने चैनल पर मैं अच्छी और बुरी दोनों तरह की मूवीज़ के रिव्यू डालता हूं, एंड रिव्यू डालने का उद्देश्य यही होता है कि आप मूवी देखने से पहले मेरी मूवी का रिव्यू देखें और ये तय कर पाएँ कि कौन सी मूवी अच्छी है और कौन सी मूवी आपको देखनी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि आप ख़राब मूवी देख करके अपना टाइम वेस्ट करें। तो दोस्तों और बता दूं कि अपने चैनल पर मैं सिर्फ मूवी से जुड़ी हुई जानकारी एंड मूवी की शॉर्ट में स्टोरी आपको बताता हूं, कंप्लीट मूवी या फिर मूवी की क्लिप अपलोड नहीं कर पाता हूं यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से। एंड आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे इस रिव्यू को मात्र 3 से 4 मिनट तक ज़रूर देखें, आपको ज़रूर मदद मिलेगी ये जानने में कि इस मूवी को आपको देखना चाहिए या नहीं। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी की डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले मैं बात करूँ IMDB रेटिंग के बारे में, तो मूवी ने 10 में से 7 की रेटिंग प्राप्त की है, जो कि दर्शाती है कि मूवी की स्टोरी अच्छी है। अगर मैं बात करूं पर्सनल फीडबैक की, तो वाकई में अगर आपको कार्टून मूवी देखना पसंद नहीं है तो ये मूवी आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये एक तरह से आप बोल सकते हैं एनिमेटेड मूवी है। अगर जो एनिमेटेड मूवी के फ़ैन हैं डेफिनेटली उनको ये मूवी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, लेकिन अगर आप राम जी और हनुमान जी से जुड़ी हुई कुछ अलग चीज़ें जानना चाहते हैं तो ये भी आपके लिए एक अच्छी मूवी रहेगी। तो दोस्तों बात करें अदर डिटेल्स के बारे में, तो यह 2018 की हिंदी भाषा की एडवेंचर 2D और 3D मूवी है, जिसे डायरेक्ट किया गया है एजहल वंदन के द्वारा। बात करूँ मूवी की स्टोरी के बारे में, तो इस मूवी के अंदर दिखाया गया है कि देवी सीता को बचाने के लिए और लंकापति रावण को हराने के लिए हनुमान जी अपनी यात्रा आरंभ करते हैं। अपने राज्य की रक्षा के लिए मतलब रावण अपने राज्य की रक्षा करने के लिए अपने सबसे शक्तिशाली और सहायक और भाई को, जिसका नाम होता है मही रावण, उसको भेजता है हनुमान से लड़ने के लिए और हनुमान जी को हराने के लिए। लेकिन क्या वो हनुमान जी को हरा पाता है या नहीं, ये जानने के लिए मूवी देखिएगा, इंटरेस्ट आपको आएगा। जैसे रिजल्ट तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि हनुमान जी को कोई हरा ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी मैं आपका इंटरेस्ट नहीं ख़राब नहीं करना चाहता ये बता करके कि किस किस तरह से मूवी के अंदर हनुमान जी ने मही रावण से
युद्ध किया और कैसे उनको हराया, तो यह जानने के लिए आप मूवी देखिएगा, मूवी डेफिनेटली आपको पसंद आएगी। बात करूँ अदर डिटेल्स की, मूवी की कहानी को लिखा गया है नारायण विद्यानाथन के द्वारा एंड मूवी बेस्ड है रामायण बाई वाल्मीकि, जो वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी थी उसके ऊपर बेस्ड है। मूवी को प्रोड्यूस किया गया है राजीव चिलाका ने और प्रोड्यूस किया गया है समीर जैन और श्रीनिवास एंड चिलाका कल पुदी, इन सभी के द्वारा मूवी को प्रोड्यूस किया गया है। मूवी को प्रोडक्शन कंपनी थी मूवी की ग्रीन गोल्ड एनिमेशन एंड मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था यशराज फिल्म्स के द्वारा। 6 जुलाई 2018 में मूवी को रिलीज़ किया गया था। 96 मिनट की यह मूवी है और हिंदी और तमिल दो लैंग्वेजेस में मूवी अवेलेबल है। तो दोस्तों एक बार मूवी को ज़रूर देखिएगा, आपको पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यू में और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हनुमान वर्सेस मही रावण मूवी का रिव्यू। दोस्तों इस मूवी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और इसमें एक ऐसी कहानी दिखाई गई है जो अभी तक किसी भी रामायण में या बहुत सारे मतलब जो टीवी सीरियल्स आए हैं रामायण के ऊपर या रामायण मूवी आई है उसमें ये स्टोरी नहीं दिखाई गई है हनुमान जी की। तो इसीलिए इस मूवी के बारे में रिव्यू में लेकर के आया हूँ ताकि जो रामायण के रावण को वध करने के समय पर जो हनुमान जी की भूमिका थी वो क्या थी और उन्होंने क्या क्या मतलब जो अनटोल्ड स्टोरी है एक तरह से मतलब जो नहीं बताया गया है रामायण वगैरह में वो आपको जानने के लिए मिले। तो दोस्तों मूवी के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अपने चैनल पर मैं अच्छी और बुरी दोनों तरह की मूवीज़ के रिव्यू डालता हूं एंड रिव्यू डालने का उद्देश्य यही होता है कि आप मूवी देखने से पहले मेरी मूवी का रिव्यू देखें और ये तय कर पाएँ कि कौन सी मूवी अच्छी है और कौन सी मूवी आपको देखनी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि आप ख़राब मूवी देख करके अपना टाइम वेस्ट करें। तो दोस्तों और बता दूं कि अपने चैनल पर मैं सिर्फ मूवी से जुड़ी हुई जानकारी एंड मूवी की शॉर्ट में स्टोरी आपको बताता हूं, कंप्लीट मूवी या फिर मूवी की क्लिप अपलोड नहीं कर पाता हूं यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से। एंड आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे इस रिव्यू को मात्र 3 से 4 मिनट तक ज़रूर देखें, आपको ज़रूर मदद मिलेगी ये जानने में कि इस मूवी को आपको देखना चाहिए या नहीं। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी की डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले मैं बात करूँ IMDb रेटिंग के बारे में, तो मूवी ने 10 में से 7 की रेटिंग प्राप्त की है जो कि दर्शाती है कि मूवी की स्टोरी अच्छी है। अगर मैं बात करूं पर्सनल फीडबैक की तो वाकई में अगर आपको कार्टून मूवी देखना पसंद नहीं है तो ये मूवी आपके लिए नहीं है क्योंकि ये एक तरह से आप बोल सकते हैं एनिमेटेड मूवी है। अगर जो एनिमेटेड मूवी के फ़ैन हैं डेफिनेटली उनको ये मूवी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, लेकिन अगर आप राम जी और हनुमान जी से जुड़ी हुई कुछ अलग चीज़ें जानना चाहते हैं तो ये भी आपके लिए एक अच्छी मूवी रहेगी। तो दोस्तों बात करें अदर डिटेल्स के बारे में, तो यह 2018 की हिंदी भाषा की एडवेंचर 2D और 3D मूवी है जिसे डायरेक्ट किया गया है एजहल वंदन के द्वारा। बात करूँ मूवी की स्टोरी के बारे में, तो इस मूवी के अंदर दिखाया गया है कि देवी सीता को बचाने के लिए और लंकापति रावण को हराने के लिए हनुमान जी अपनी यात्रा आरंभ करते हैं अपने राज्य की रक्षा के लिए। मतलब रावण अपने राज्य की रक्षा करने के लिए अपने सबसे शक्तिशाली और सहायक और भाई को जिसका नाम होता है मही रावण उसको भेजता है हनुमान से लड़ने के लिए और हनुमान जी को हराने के लिए। लेकिन क्या वो हनुमान जी को हरा पाता है या नहीं ये जानने के लिए मूवी देखिएगा, इंटरेस्ट आपको आएगा। जैसे रिजल्ट तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि हनुमान जी को कोई हरा ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी मैं आपका इंटरेस्ट नहीं ख़राब नहीं करना चाहता ये बता करके कि किस किस तरह से मूवी के अंदर हनुमान जी ने मही रावण से युद्ध किया और कैसे उनको हराया। तो यह जानने के लिए आप मूवी देखिएगा, मूवी डेफिनेटली आपको पसंद आएगी। बात करूँ अदर डिटेल्स की, मूवी की कहानी को लिखा गया है नारायण विद्यानाथन के द्वारा एंड मूवी बेस्ड है रामायण बाई वाल्मीकि, जो वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी थी उसके ऊपर बेस्ड है। मूवी को प्रोड्यूस किया गया है राजीव चिलाका ने और प्रोड्यूस किया गया है समीर जैन और श्रीनिवास एंड चिलाका कल पुदी, इन सभी के द्वारा मूवी को प्रोड्यूस किया गया है। मूवी को प्रोडक्शन कंपनी थी मूवी की ग्रीन गोल्ड एनिमेशन एंड मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था यशराज फिल्म्स के द्वारा। 6 जुलाई 2018 में मूवी को रिलीज़ किया गया था। 96 मिनट की यह मूवी है और हिंदी और तमिल दो लैंग्वेजेस में मूवी अवेलेबल है। तो दोस्तों एक बार मूवी को ज़रूर देखिएगा, आपको पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यू में और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हनुमान वर्सेस मही रावण मूवी का रिव्यू। दोस्तों इस मूवी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और इसमें एक ऐसी कहानी दिखाई गई है जो अभी तक किसी भी रामायण में या बहुत सारे मतलब जो टीवी सीरियल्स आए हैं रामायण के ऊपर या रामायण मूवी आई है उसमें ये स्टोरी नहीं दिखाई गई है हनुमान जी की। तो इसीलिए इस मूवी के बारे में रिव्यू में लेकर के आया हूँ ताकि जो रामायण के रावण को वध करने के समय पर जो हनुमान जी की भूमिका थी
वो क्या थी और उन्होंने क्या क्या मतलब जो अनटोल्ड स्टोरी है एक तरह से, मतलब जो नहीं बताया गया है रामायण वगैरह में, वो आपको जानने के लिए मिले। तो दोस्तों बात कर मूवी के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अपने चैनल पर मैं अच्छी और बुरी दोनों तरह की मूवीज़ के रिव्यू डालता हूं। एंड रिव्यू डालने का उद्देश्य यही होता है कि आप मूवी देखने से पहले मेरी मूवी का रिव्यू देखें और ये तय कर पाएँ कि कौन सी मूवी अच्छी है और कौन सी मूवी आपको देखनी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि आप ख़राब मूवी देख करके अपना टाइम वेस्ट करें। तो दोस्तों और बता दूं कि अपने चैनल पर मैं सिर्फ मूवी से जुड़ी हुई जानकारी एंड मूवी की शॉर्ट में स्टोरी आपको बताता हूं, कंप्लीट मूवी या फिर मूवी की क्लिप अपलोड नहीं कर पाता हूं यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से। एंड आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे इस रिव्यू को मात्र 3 से 4 मिनट तक ज़रूर देखें, आपको ज़रूर मदद मिलेगी ये जानने में कि इस मूवी को आपको देखना चाहिए या नहीं। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी की डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले मैं बात करूँ IMDb रेटिंग के बारे में, तो मूवी ने 10 में से 7 की रेटिंग प्राप्त की है जो कि दर्शाती है कि मूवी की स्टोरी अच्छी है। अगर मैं बात करूं पर्सनल फीडबैक की, तो वाकई में अगर आपको कार्टून मूवी देखना पसंद नहीं है तो ये मूवी आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये एक तरह से आप बोल सकते हैं एनिमेटेड मूवी है। अगर जो एनिमेटेड मूवी के फ़ैन हैं डेफिनेटली उनको ये मूवी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, लेकिन अगर आप राम जी और हनुमान जी से जुड़ी हुई कुछ अलग चीज़ें जानना चाहते हैं तो ये भी आपके लिए एक अच्छी मूवी रहेगी। तो दोस्तों बात करें अदर डिटेल्स के बारे में, तो यह 2018 की हिंदी भाषा की एडवेंचर 2D और 3D मूवी है जिसे डायरेक्ट किया गया है एजहल वंदन के द्वारा। बात करूं मूवी की स्टोरी के बारे में, तो इस मूवी के अंदर दिखाया गया है कि देवी सीता को बचाने के लिए और लंकापति रावण को हराने के लिए हनुमान जी अपनी यात्रा आरंभ करते हैं। अपने राज्य की रक्षा के लिए मतलब रावण अपने राज्य की रक्षा करने के लिए अपने सबसे शक्तिशाली और सहायक और भाई को, जिसका नाम होता है मही रावण, उसको भेजता है हनुमान से लड़ने के लिए और हनुमान जी को हराने के लिए। लेकिन क्या वो हनुमान जी को हरा पाता है या नहीं, ये जानने के लिए मूवी देखिएगा, इंटरेस्ट आपको आएगा। जैसे रिजल्ट तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि हनुमान जी को कोई हरा ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी मैं आपका इंटरेस्ट नहीं ख़राब नहीं करना चाहता ये बता करके कि किस किस तरह से मूवी के अंदर हनुमान जी ने मही रावण से युद्ध किया और कैसे उनको हराया। तो यह जानने के लिए आप मूवी देखिएगा, मूवी डेफिनेटली आपको पसंद आएगी। बात करूँ अदर डिटेल्स की, मूवी की कहानी को लिखा गया है नारायण विद्यानाथन के द्वारा एंड मूवी बेस्ड है रामायण बाई वाल्मीकि, जो वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी थी उसके ऊपर बेस्ड है। मूवी को प्रोड्यूस किया गया है राजीव चिलाका ने और प्रोड्यूस किया गया है समीर जैन और श्रीनिवास एंड चिलाका कल पुदी, इन सभी के द्वारा मूवी को प्रोड्यूस किया गया है। मूवी को प्रोडक्शन कंपनी थी मूवी की ग्रीन गोल्ड एनिमेशन एंड मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था यशराज फिल्म्स के द्वारा। 6 जुलाई 2018 में मूवी को रिलीज़ किया गया था। 96 मिनट की यह मूवी है और हिंदी और तमिल दो लैंग्वेजेस में मूवी अवेलेबल है। तो दोस्तों एक बार मूवी को ज़रूर देखिएगा, आपको पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यू में, और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हनुमान वर्सेस मही रावण मूवी का रिव्यू। दोस्तों इस मूवी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और इसमें एक ऐसी कहानी दिखाई गई है जो अभी तक किसी भी रामायण में या बहुत सारे मतलब जो टीवी सीरियल्स आए हैं रामायण के ऊपर या रामायण मूवी आई है उसमें ये स्टोरी नहीं दिखाई गई है हनुमान जी की। तो इसीलिए इस मूवी के बारे में रिव्यू में लेकर के आया हूँ ताकि जो रामायण के रावण को वध करने के समय पर जो हनुमान जी की भूमिका थी वो क्या थी और उन्होंने क्या क्या मतलब जो अनटोल्ड स्टोरी है एक तरह से, मतलब जो नहीं बताया गया है रामायण वगैरह में, वो आपको जानने के लिए मिले। तो दोस्तों मूवी के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अपने चैनल पर मैं अच्छी और बुरी दोनों तरह की मूवीज़ के रिव्यू डालता हूं। एंड रिव्यू डालने का उद्देश्य यही होता है कि आप मूवी देखने से पहले मेरी मूवी का रिव्यू देखें और ये तय कर पाएँ कि कौन सी मूवी अच्छी है और कौन सी मूवी आपको देखनी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि आप ख़राब मूवी देख करके अपना टाइम वेस्ट करें। तो दोस्तों और बता दूं कि अपने चैनल पर मैं सिर्फ मूवी से जुड़ी हुई जानकारी एंड मूवी की शॉर्ट में स्टोरी आपको बताता हूं, कंप्लीट मूवी या फिर मूवी की क्लिप अपलोड नहीं कर पाता हूं यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से। एंड आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे इस रिव्यू को मात्र 3 से 4 मिनट तक ज़रूर देखें, आपको ज़रूर मदद मिलेगी ये जानने में कि इस मूवी को आपको देखना चाहिए या नहीं। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी की डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले मैं बात करूँ IMDb रेटिंग के बारे में, तो मूवी ने 10 में से 7 की रेटिंग प्राप्त की है जो कि दर्शाती है कि मूवी की स्टोरी अच्छी है। अगर मैं बात करूं पर्सनल फीडबैक की, तो वाकई में अगर आपको कार्टून मूवी देखना पसंद नहीं है तो ये मूवी आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये एक तरह से आप बोल सकते हैं एनिमेटेड मूवी है। अगर जो एनिमेटेड मूवी के फ़ैन हैं डेफिनेटली उनको ये मूवी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, लेकिन अगर आप राम जी और हनुमान जी से जुड़ी हुई कुछ अलग चीज़ें जानना चाहते हैं तो ये भी आपके लिए एक अच्छी मूवी रहेगी।
तो दोस्तों बात करें अदर डिटेल्स के बारे में, तो यह 2018 की हिंदी भाषा की एडवेंचर 2D और 3D मूवी है जिसे डायरेक्ट किया गया है एजहल वंदन के द्वारा। बात करूँ मूवी की स्टोरी के बारे में, तो इस मूवी के अंदर दिखाया गया है कि देवी सीता को बचाने के लिए और लंकापति रावण को हराने के लिए हनुमान जी अपनी यात्रा आरंभ करते हैं। अपने राज्य की रक्षा के लिए मतलब रावण अपने राज्य की रक्षा करने के लिए अपने सबसे शक्तिशाली और सहायक और भाई को, जिसका नाम होता है मही रावण, उसको भेजता है हनुमान से लड़ने के लिए और हनुमान जी को हराने के लिए। लेकिन क्या वो हनुमान जी को हरा पाता है या नहीं, ये जानने के लिए मूवी देखिएगा, इंटरेस्ट आपको आएगा। जैसे रिजल्ट तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि हनुमान जी को कोई हरा ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी मैं आपका इंटरेस्ट नहीं ख़राब नहीं करना चाहता ये बता करके कि किस किस तरह से मूवी मूवी के अंदर हनुमान जी ने मही रावण से युद्ध किया और कैसे उनको हराया। तो यह जानने के लिए आप मूवी देखिएगा, मूवी डेफिनेटली आपको पसंद आएगी। बात करूँ अदर डिटेल्स की, मूवी की कहानी को लिखा गया है नारायण विद्यानाथन के द्वारा एंड मूवी बेस्ड है रामायण बाई वाल्मीकि, जो वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी थी उसके ऊपर बेस्ड है। मूवी को प्रोड्यूस किया गया है राजीव चिलाका ने और प्रोड्यूस किया गया है समीर जैन और श्रीनिवास एंड चिलाका कल पुदी, इन सभी के द्वारा मूवी को प्रोड्यूस किया गया है। मूवी को प्रोडक्शन कंपनी थी मूवी की ग्रीन गोल्ड एनिमेशन एंड मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था यशराज फिल्म्स के द्वारा। 6 जुलाई 2018 में मूवी को रिलीज़ किया गया था। 96 मिनट की यह मूवी है और हिंदी और तमिल दो लैंग्वेजेस में मूवी अवेलेबल है। तो दोस्तों एक बार मूवी को ज़रूर देखिएगा, आपको पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यू में, और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हनुमान वर्सेस मही रावण मूवी का रिव्यू। दोस्तों इस मूवी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और इसमें एक ऐसी कहानी दिखाई गई है जो अभी तक किसी भी रामायण में या बहुत सारे मतलब जो टीवी सीरियल्स आए हैं रामायण के ऊपर या रामायण मूवी आई है उसमें ये स्टोरी नहीं दिखाई गई है हनुमान जी की। तो इसीलिए इस मूवी के बारे में रिव्यू में लेकर के आया हूँ ताकि जो रामायण के रावण को वध करने के समय पर जो हनुमान जी की भूमिका थी वो क्या थी और उन्होंने क्या क्या मतलब जो अनटोल्ड स्टोरी है एक तरह से मतलब जो नहीं बताया गया है रामायण वगैरह में वो आपको जानने के लिए मिले। तो दोस्तों मूवी के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अपने चैनल पर मैं अच्छी और बुरी दोनों तरह की मूवीज़ के रिव्यू डालता हूं एंड रिव्यू डालने का उद्देश्य यही होता है कि आप मूवी देखने से पहले मेरी मूवी का रिव्यू देखें और ये तय कर पाएँ कि कौन सी मूवी अच्छी है और कौन सी मूवी आपको देखनी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि आप ख़राब मूवी देख करके अपना टाइम वेस्ट करें। तो दोस्तों और बता दूं कि अपने चैनल पर मैं सिर्फ मूवी से जुड़ी हुई जानकारी एंड मूवी की शॉर्ट में स्टोरी आपको बताता हूं, कंप्लीट मूवी या फिर मूवी की क्लिप अपलोड नहीं कर पाता हूं यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से। एंड आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे इस रिव्यू को मात्र 3 से 4 मिनट तक ज़रूर देखें, आपको ज़रूर मदद मिलेगी ये जानने में कि इस मूवी को आपको देखना चाहिए या नहीं। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी की डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले मैं बात करूँ IMDb रेटिंग के बारे में, तो मूवी ने 10 में से 7 की रेटिंग प्राप्त की है जो कि दर्शाती है कि मूवी की स्टोरी अच्छी है। अगर मैं बात करूं पर्सनल फीडबैक की, तो वाकई में अगर आपको कार्टून मूवी देखना पसंद नहीं है तो ये मूवी आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये एक तरह से आप बोल सकते हैं एनिमेटेड मूवी है। अगर जो एनिमेटेड मूवी के फ़ैन हैं डेफिनेटली उनको ये मूवी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, लेकिन अगर आप राम जी और हनुमान जी से जुड़ी हुई कुछ अलग चीज़ें जानना चाहते हैं तो ये भी आपके लिए एक अच्छी मूवी रहेगी। तो दोस्तों बात करें अदर डिटेल्स के बारे में, तो यह 2018 की हिंदी भाषा की एडवेंचर 2D और 3D मूवी है जिसे डायरेक्ट किया गया है एजहल वंदन के द्वारा। बात करूँ मूवी की स्टोरी के बारे में, तो इस मूवी के अंदर दिखाया गया है कि देवी सीता को बचाने के लिए और लंकापति रावण को हराने के लिए हनुमान जी अपनी यात्रा आरंभ करते हैं। अपने राज्य की रक्षा के लिए मतलब रावण अपने राज्य की रक्षा करने के लिए अपने सबसे शक्तिशाली और सहायक और भाई को, जिसका नाम होता है मही रावण, उसको भेजता है हनुमान से लड़ने के लिए और हनुमान जी को हराने के लिए। लेकिन क्या वो हनुमान जी को हरा पाता है या नहीं, ये जानने के लिए मूवी देखिएगा, इंटरेस्ट आपको आएगा। जैसे रिजल्ट तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि हनुमान जी को कोई हरा ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी मैं आपका इंटरेस्ट नहीं ख़राब नहीं करना चाहता ये बता करके कि किस किस तरह से मूवी के अंदर हनुमान जी ने मही रावण से युद्ध किया और कैसे उनको हराया। तो यह जानने के लिए आप मूवी देखिएगा, मूवी डेफिनेटली आपको पसंद आएगी। बात करूँ अदर डिटेल्स की, मूवी की कहानी को लिखा गया है नारायण विद्यानाथन के द्वारा एंड मूवी बेस्ड है रामायण बाई वाल्मीकि, जो वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी थी उसके ऊपर बेस्ड है। मूवी को प्रोड्यूस किया गया है राजीव चिलाका ने और प्रोड्यूस किया गया है समीर जैन और श्रीनिवास एंड चिलाका
कल पुदी इन सभी के द्वारा मूवी को प्रोड्यूस किया गया है। मूवी को प्रोडक्शन कंपनी थी मूवी की ग्रीन गोल्ड एनिमेशन, एंड मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था रिसर्च फिल्म्स के द्वारा। 6 जुलाई 2018 में मूवी को रिलीज़ किया गया था। 96 मिनट की यह मूवी है और हिंदी और तमिल दो लैंग्वेजेस में मूवी अवेलेबल है। तो दोस्तों एक बार मूवी को ज़रूर देखिएगा, आपको पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यू में, और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हनुमान वर्सेस मही रावण मूवी का रिव्यू। दोस्तों इस मूवी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, और इसमें एक ऐसी कहानी दिखाई गई है जो अभी तक किसी भी रामायण में या बहुत सारे मतलब जो टीवी सीरियल्स आए हैं रामायण के ऊपर या रामायण मूवी आई है उसमें ये स्टोरी नहीं दिखाई गई है हनुमान जी की। तो इसीलिए इस मूवी के बारे में रिव्यू में लेकर के आया हूँ, ताकि जो रामायण के रावण को वध करने के समय पर जो हनुमान जी की भूमिका थी वो क्या थी, और उन्होंने क्या क्या मतलब जो अनटोल्ड स्टोरी है एक तरह से, मतलब जो नहीं बताया गया है रामायण वगैरह में, वो आपको जानने के लिए मिले। तो दोस्तों मूवी के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अपने चैनल पर मैं अच्छी और बुरी दोनों तरह की मूवीज़ के रिव्यू डालता हूं, एंड रिव्यू डालने का उद्देश्य यही होता है कि आप मूवी देखने से पहले मेरी मूवी का रिव्यू देखें और ये तय कर पाएँ कि कौन सी मूवी अच्छी है और कौन सी मूवी आपको देखनी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि आप ख़राब मूवी देख करके अपना टाइम वेस्ट करें। तो दोस्तों और बता दूं कि अपने चैनल पर मैं सिर्फ मूवी से जुड़ी हुई जानकारी एंड मूवी की शॉर्ट में स्टोरी आपको बताता हूं, कंप्लीट मूवी या फिर मूवी की क्लिप अपलोड नहीं कर पाता हूं यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से। एंड आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे इस रिव्यू को मात्र 3 से 4 मिनट तक ज़रूर देखें, आपको ज़रूर मदद मिलेगी ये जानने में कि इस मूवी को आपको देखना चाहिए या नहीं। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी की डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले मैं बात करूँ IMDb रेटिंग के बारे में, तो मूवी ने 10 में से 7 की रेटिंग प्राप्त की है, जो कि दर्शाती है कि मूवी की स्टोरी अच्छी है। अगर मैं बात करूं पर्सनल फीडबैक की, तो वाकई में अगर आपको कार्टून मूवी देखना पसंद नहीं है तो ये मूवी आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये एक तरह से आप बोल सकते हैं एनिमेटेड मूवी है। अगर जो एनिमेटेड मूवी के फ़ैन हैं डेफिनेटली उनको ये मूवी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, लेकिन अगर आप राम जी और हनुमान जी से जुड़ी हुई कुछ अलग चीज़ें जानना चाहते हैं तो ये भी आपके लिए एक अच्छी मूवी रहेगी। तो दोस्तों बात करें अदर डिटेल्स के बारे में, तो यह 2018 की हिंदी भाषा की एडवेंचर 2D और 3D मूवी है, जिसे डायरेक्ट किया गया है एजहल वंदन के द्वारा। बात करूँ मूवी की स्टोरी के बारे में, तो इस मूवी के अंदर दिखाया गया है कि देवी सीता को बचाने के लिए और लंकापति रावण को हराने के लिए हनुमान जी अपनी यात्रा आरंभ करते हैं। अपने राज्य की रक्षा के लिए मतलब रावण अपने राज्य की रक्षा करने के लिए अपने सबसे शक्तिशाली और सहायक और भाई को, जिसका नाम होता है मही रावण, उसको भेजता है हनुमान से लड़ने के लिए और हनुमान जी को हराने के लिए। लेकिन क्या वो हनुमान जी को हरा पाता है या नहीं, ये जानने के लिए मूवी देखिएगा, इंटरेस्ट आपको आएगा। जैसे रिजल्ट तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि हनुमान जी को कोई हरा ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी मैं आपका इंटरेस्ट नहीं ख़राब नहीं करना चाहता ये बता करके कि किस किस तरह से मूवी के अंदर हनुमान जी ने मही रावण से युद्ध किया और कैसे उनको हराया। तो यह जानने के लिए आप मूवी देखिएगा, मूवी डेफिनेटली आपको पसंद आएगी। बात करूँ अदर डिटेल्स की, मूवी की कहानी को लिखा गया है नारायण विद्यानाथन के द्वारा, एंड मूवी बेस्ड है रामायण बाई वाल्मीकि, जो वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी थी उसके ऊपर बेस्ड है। मूवी को प्रोड्यूस किया गया है राजीव चिलाका ने, और प्रोड्यूस किया गया है समीर जैन और श्रीनिवास एंड चिलाका कल पुदी इन सभी के द्वारा मूवी को प्रोड्यूस किया गया है। मूवी को प्रोडक्शन कंपनी थी मूवी की ग्रीन गोल्ड एनिमेशन, एंड मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था रिसर्च फिल्म्स के द्वारा। 6 जुलाई 2018 में मूवी को रिलीज़ किया गया था। 96 मिनट की यह मूवी है और हिंदी और तमिल दो लैंग्वेजेस में मूवी अवेलेबल है। तो दोस्तों एक बार मूवी को ज़रूर देखिएगा, आपको पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यू में, और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हनुमान वर्सेस मही रावण मूवी का रिव्यू। दोस्तों इस मूवी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, और इसमें एक ऐसी कहानी दिखाई गई है जो अभी तक किसी भी रामायण में या बहुत सारे मतलब जो टीवी सीरियल्स आए हैं रामायण के ऊपर या रामायण मूवी आई है उसमें ये स्टोरी नहीं दिखाई गई है हनुमान जी की। तो इसीलिए इस मूवी के बारे में रिव्यू में लेकर के आया हूँ, ताकि जो रामायण को वध करने के समय पर जो हनुमान जी की भूमिका थी वो क्या थी, और उन्होंने क्या क्या मतलब जो अनटोल्ड स्टोरी है एक तरह से, मतलब जो नहीं बताया गया है रामायण वगैरह में, वो आपको जानने के लिए मिले। तो दोस्तों मूवी के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अपने चैनल पर मैं अच्छी और बुरी दोनों तरह की मूवीज़ के रिव्यू डालता हूं, एंड रिव्यू डालने का उद्देश्य यही होता है कि आप मूवी देखने से पहले मेरी मूवी का रिव्यू देखें और ये तय कर पाएँ कि कौन सी मूवी अच्छी है और कौन सी मूवी आपको देखनी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि आप ख़राब मूवी देख करके अपना टाइम वेस्ट करें।
तो दोस्तों और बता दूं कि अपने चैनल पर मैं सिर्फ मूवी से जुड़ी हुई जानकारी एंड मूवी की शॉर्ट में स्टोरी आपको बताता हूँ, कंप्लीट मूवी या फिर मूवी की क्लिप अपलोड नहीं कर पाता हूँ यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से। एंड आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे इस रिव्यू को मात्र 3 से 4 मिनट तक ज़रूर देखें, आपको ज़रूर मदद मिलेगी ये जानने में कि इस मूवी को आपको देखना चाहिए या नहीं। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी की डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले मैं बात करूँ IMDb रेटिंग के बारे में, तो मूवी ने 10 में से 7 की रेटिंग प्राप्त की है जो कि दर्शाती है कि मूवी की स्टोरी अच्छी है। अगर मैं बात करूँ पर्सनल फीडबैक की, तो वाकई में अगर आपको कार्टून मूवी देखना पसंद नहीं है तो ये मूवी आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये एक तरह से आप बोल सकते हैं एनिमेटेड मूवी है। अगर जो एनिमेटेड मूवी के फ़ैन हैं डेफिनेटली उनको ये मूवी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, लेकिन अगर आप राम जी और हनुमान जी से जुड़ी हुई कुछ अलग चीज़ें जानना चाहते हैं तो ये भी आपके लिए एक अच्छी मूवी रहेगी। तो दोस्तों बात करें अदर डिटेल्स के बारे में, तो यह 2018 की हिंदी भाषा की एडवेंचर 2D और 3D मूवी है जिसे डायरेक्ट किया गया है एजहल वंदन के द्वारा। बात करूँ मूवी की स्टोरी के बारे में, तो इस मूवी के अंदर दिखाया गया है कि देवी सीता को बचाने के लिए और लंकापति रावण को हराने के लिए हनुमान जी अपनी यात्रा आरंभ करते हैं। अपने राज्य की रक्षा के लिए मतलब रावण अपने राज्य की रक्षा करने के लिए अपने सबसे शक्तिशाली और सहायक और भाई को, जिसका नाम होता है मही रावण, उसको भेजता है हनुमान से लड़ने के लिए और हनुमान जी को हराने के लिए। लेकिन क्या वो हनुमान जी को हरा पाता है या नहीं, ये जानने के लिए मूवी देखिएगा, इंटरेस्ट आपको आएगा। जैसे रिजल्ट तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि हनुमान जी को कोई हरा ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी मैं आपका इंटरेस्ट नहीं ख़राब नहीं करना चाहता ये बता करके कि किस किस तरह से मूवी के अंदर हनुमान जी ने मही रावण से युद्ध किया और कैसे उनको हराया। तो यह जानने के लिए आप मूवी देखिएगा, मूवी डेफिनेटली आपको पसंद आएगी। बात करूँ अदर डिटेल्स की, मूवी की कहानी को लिखा गया है नारायण विद्यानाथन के द्वारा एंड मूवी बेस्ड है रामायण बाई वाल्मीकि, जो वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी थी उसके ऊपर बेस्ड है। मूवी को प्रोड्यूस किया गया है राजीव चिलाका ने और प्रोड्यूस किया गया है समीर जैन और श्रीनिवास एंड चिलाका कल पुदी, इन सभी के द्वारा मूवी को प्रोड्यूस किया गया है। मूवी को प्रोडक्शन कंपनी थी मूवी की ग्रीन गोल्ड एनिमेशन एंड मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था यशराज फिल्म्स के द्वारा। 6 जुलाई 2018 में मूवी को रिलीज़ किया गया था। 96 मिनट की यह मूवी है और हिंदी और तमिल दो लैंग्वेजेस में मूवी अवेलेबल है। तो दोस्तों एक बार मूवी को ज़रूर देखिएगा, आपको पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यू में, और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हनुमान वर्सेस मही रावण मूवी का रिव्यू। दोस्तों इस मूवी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और इसमें एक ऐसी कहानी दिखाई गई है जो अभी तक किसी भी रामायण में या बहुत सारे मतलब जो टीवी सीरियल्स आए हैं रामायण के ऊपर या रामायण मूवी आई है उसमें ये स्टोरी नहीं दिखाई गई है हनुमान जी की। तो इसीलिए इस मूवी के बारे में रिव्यू में लेकर के आया हूँ ताकि जो रामायण को वध करने के समय पर जो हनुमान जी की भूमिका थी वो क्या थी और उन्होंने क्या क्या मतलब जो अनटोल्ड स्टोरी है एक तरह से, मतलब जो नहीं बताया गया है रामायण वगैरह में, वो आपको जानने के लिए मिले। तो दोस्तों मूवी के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अपने चैनल पर मैं अच्छी और बुरी दोनों तरह की मूवीज़ के रिव्यू डालता हूं एंड रिव्यू डालने का उद्देश्य यही होता है कि आप मूवी देखने से पहले मेरी मूवी का रिव्यू देखें और ये तय कर पाएँ कि कौन सी मूवी अच्छी है और कौन सी मूवी आपको देखनी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि आप ख़राब मूवी देख करके अपना टाइम वेस्ट करें। तो दोस्तों और बता दूं कि अपने चैनल पर मैं सिर्फ मूवी से जुड़ी हुई जानकारी एंड मूवी की शॉर्ट में स्टोरी आपको बताता हूं, कंप्लीट मूवी या फिर मूवी की क्लिप अपलोड नहीं कर पाता हूं यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से। एंड आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे इस रिव्यू को मात्र 3 से 4 मिनट तक ज़रूर देखें, आपको ज़रूर मदद मिलेगी ये जानने में कि इस मूवी को आपको देखना चाहिए या नहीं। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी की डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले मैं बात करूँ IMDb रेटिंग के बारे में, तो मूवी ने 10 में से 7 की रेटिंग प्राप्त की है जो कि दर्शाती है कि मूवी की स्टोरी अच्छी है। अगर मैं बात करूं पर्सनल फीडबैक की, तो वाकई में अगर आपको कार्टून मूवी देखना पसंद नहीं है तो ये मूवी आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये एक तरह से आप बोल सकते हैं एनिमेटेड मूवी है। अगर जो एनिमेटेड मूवी के फ़ैन हैं डेफिनेटली उनको ये मूवी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, लेकिन अगर आप राम जी और हनुमान जी से जुड़ी हुई कुछ अलग चीज़ें जानना चाहते हैं तो ये भी आपके लिए एक अच्छी मूवी रहेगी। तो दोस्तों बात करें अदर डिटेल्स के बारे में, तो यह 2018 की हिंदी भाषा की एडवेंचर 2D और 3D मूवी है जिसे डायरेक्ट किया गया है एजहल वंदन के द्वारा। बात करूँ मूवी की स्टोरी के बारे में, तो इस मूवी के अंदर दिखाया गया है कि देवी सीता को बचाने के लिए और लंकापति रावण को हराने के लिए हनुमान जी अपनी यात्रा आरंभ करते हैं। अपने राज्य की रक्षा के लिए मतलब रावण अपने राज्य की रक्षा करने के लिए अपने सबसे शक्तिशाली और सहायक और भाई को, जिसका नाम होता है मही रावण,
उसको भेजता है हनुमान से लड़ने के लिए और हनुमान जी को हराने के लिए। लेकिन क्या वो हनुमान जी को हरा पाता है या नहीं, ये जानने के लिए मूवी देखिएगा, इंटरेस्ट आपको आएगा। जैसे रिजल्ट तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि हनुमान जी को कोई हरा ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी मैं आपका इंटरेस्ट नहीं ख़राब नहीं करना चाहता ये बता करके कि किस किस तरह से मूवी मूवी के अंदर हनुमान जी ने महिरावण से युद्ध किया और कैसे उनको हराया। तो यह जानने के लिए आप मूवी देखिएगा, मूवी डेफिनेटली आपको पसंद आएगी। बात करूँ अदर डिटेल्स की, मूवी की कहानी को लिखा गया है नारायण विद्यानाथन के द्वारा एंड मूवी बेस्ड है रामायण बाई वाल्मीकि, जो वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी थी उसके ऊपर बेस्ड है। मूवी को प्रोड्यूस किया गया है राजीव चिलाका ने और प्रोड्यूस किया गया है समीर जैन और श्रीनिवास एंड चिलाका कल पुदी, इन सभी के द्वारा मूवी को प्रोड्यूस किया गया है। मूवी को प्रोडक्शन कंपनी थी मूवी की ग्रीन गोल्ड एनिमेशन एंड मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था यशराज फिल्म्स के द्वारा। 6 जुलाई 2018 में मूवी को रिलीज़ किया गया था। 96 मिनट की यह मूवी है और हिंदी और तमिल दो लैंग्वेजेस में मूवी अवेलेबल है। तो दोस्तों एक बार मूवी को ज़रूर देखिएगा, आपको पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यू में और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हनुमान वर्सेस महीरावण मूवी का रिव्यू। दोस्तों इस मूवी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और इसमें एक ऐसी कहानी दिखाई गई है जो अभी तक किसी भी रामायण में या बहुत सारे जो टीवी सीरियल्स आए हैं रामायण के ऊपर या रामायण मूवी आई है उसमें ये स्टोरी नहीं दिखाई गई है हनुमान जी की। तो इसीलिए इस मूवी के बारे में रिव्यू में लेकर के आया हूँ ताकि जो रामायण के रावण को वध करने के समय पर जो हनुमान जी की भूमिका थी वो क्या थी और उन्होंने क्या क्या जो अनटोल्ड स्टोरी है एक तरह से जो नहीं बताया गया है रामायण वगैरह में वो आपको जानने के लिए मिले। तो दोस्तों मूवी के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अपने चैनल पर मैं अच्छी और बुरी दोनों तरह की मूवीज़ के रिव्यू डालता हूं एंड रिव्यू डालने का उद्देश्य यही होता है कि आप मूवी देखने से पहले मेरी मूवी का रिव्यू देखें और ये तय कर पाएँ कि कौन सी मूवी अच्छी है और कौन सी मूवी आपको देखनी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि आप ख़राब मूवी देख करके अपना टाइम वेस्ट करें। तो दोस्तों और बता दूं कि अपने चैनल पर मैं सिर्फ मूवी से जुड़ी हुई जानकारी एंड मूवी की शॉर्ट में स्टोरी आपको बताता हूं, कंप्लीट मूवी या फिर मूवी की क्लिप अपलोड नहीं कर पाता हूं यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से। एंड आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे इस रिव्यू को मात्र 3 से 4 मिनट तक ज़रूर देखें, आपको ज़रूर मदद मिलेगी ये जानने में कि इस मूवी को आपको देखना चाहिए या नहीं। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी की डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले मैं बात करूँ IMDb रेटिंग के बारे में, तो मूवी ने 10 में से 7 की रेटिंग प्राप्त की है जो कि दर्शाती है कि मूवी की स्टोरी अच्छी है। अगर मैं बात करूं पर्सनल फीडबैक की तो वाकई में अगर आपको कार्टून मूवी देखना पसंद नहीं है तो ये मूवी आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये एक तरह से आप बोल सकते हैं एनिमेटेड मूवी है। अगर जो एनिमेटेड मूवी के फ़ैन हैं डेफिनेटली उनको ये मूवी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, लेकिन अगर आप राम जी और हनुमान जी से जुड़ी हुई कुछ अलग चीज़ें जानना चाहते हैं तो ये भी आपके लिए एक अच्छी मूवी रहेगी। तो दोस्तों बात करें अदर डिटेल्स के बारे में, तो यह 2018 की हिंदी भाषा की एडवेंचर 2D और 3D मूवी है जिसे डायरेक्ट किया गया है एजहल वंदन के द्वारा। बात करूं मूवी की स्टोरी के बारे में, तो इस मूवी के अंदर दिखाया गया है कि देवी सीता को बचाने के लिए और लंकापति रावण को हराने के लिए हनुमान जी अपनी यात्रा आरंभ करते हैं अपने राज्य की रक्षा के लिए। रावण अपने राज्य की रक्षा करने के लिए अपने सबसे शक्तिशाली और सहायक और भाई को, जिसका नाम होता है महीरावण, उसको भेजता है हनुमान से लड़ने के लिए और हनुमान जी को हराने के लिए। लेकिन क्या वो हनुमान जी को हरा पाता है या नहीं, ये जानने के लिए मूवी देखिएगा, इंटरेस्ट आपको आएगा। जैसे रिजल्ट तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि हनुमान जी को कोई हरा ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी मैं आपका इंटरेस्ट नहीं ख़राब नहीं करना चाहता ये बता करके कि किस किस तरह से मूवी के अंदर हनुमान जी ने महीरावण से युद्ध किया और कैसे उनको हराया। तो यह जानने के लिए आप मूवी देखिएगा, मूवी डेफिनेटली आपको पसंद आएगी। बात करूँ अदर डिटेल्स की, मूवी की कहानी को लिखा गया है नारायण विद्यानाथन के द्वारा एंड मूवी बेस्ड है रामायण बाई वाल्मीकि, जो वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी थी उसके ऊपर बेस्ड है। मूवी को प्रोड्यूस किया गया है राजीव चिलाका ने और प्रोड्यूस किया गया है समीर जैन और श्रीनिवास एंड चिलाका कल पुदी, इन सभी के द्वारा मूवी को प्रोड्यूस किया गया है। मूवी को प्रोडक्शन कंपनी थी मूवी की ग्रीन गोल्ड एनिमेशन एंड मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था यशराज फिल्म्स के द्वारा। 6 जुलाई 2018 में मूवी को रिलीज़ किया गया था। 96 मिनट की यह मूवी है और हिंदी और तमिल दो लैंग्वेजेस में मूवी अवेलेबल है। तो दोस्तों एक बार मूवी को ज़रूर देखिएगा, आपको पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यू में और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हनुमान वर्सेस
मही रावण मूवी का रिव्यू। दोस्तों इस मूवी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और इसमें एक ऐसी कहानी दिखाई गई है जो अभी तक किसी भी रामायण में या बहुत सारे मतलब जो टीवी सीरियल्स आए हैं रामायण के ऊपर या रामायण मूवी आई है उसमें ये स्टोरी नहीं दिखाई गई है हनुमान जी की। तो इसीलिए इस मूवी के बारे में रिव्यू में लेकर के आया हूँ ताकि जो रामायण के रावण को वध करने के समय पर जो हनुमान जी की भूमिका थी वो क्या थी और उन्होंने क्या क्या मतलब जो अनटोल्ड स्टोरी है एक तरह से मतलब जो नहीं बताया गया है रामायण वगैरह में वो आपको जानने के लिए मिले। तो दोस्तों मूवी के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अपने चैनल पर मैं अच्छी और बुरी दोनों तरह की मूवीज़ के रिव्यू डालता हूं एंड रिव्यू डालने का उद्देश्य यही होता है कि आप मूवी देखने से पहले मेरी मूवी का रिव्यू देखें और ये तय कर पाएँ कि कौन सी मूवी अच्छी है और कौन सी मूवी आपको देखनी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि आप ख़राब मूवी देख करके अपना टाइम वेस्ट करें। तो दोस्तों और बता दूं कि अपने चैनल पर मैं सिर्फ मूवी से जुड़ी हुई जानकारी एंड मूवी की शॉर्ट में स्टोरी आपको बताता हूं, कंप्लीट मूवी या फिर मूवी की क्लिप अपलोड नहीं कर पाता हूं यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से। एंड आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे इस रिव्यू को मात्र 3 से 4 मिनट तक ज़रूर देखें, आपको ज़रूर मदद मिलेगी ये जानने में कि इस मूवी को आपको देखना चाहिए या नहीं। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी की डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले मैं बात करूँगा IMDb रेटिंग के बारे में। तो मूवी ने 10 में से 7 की रेटिंग प्राप्त की है जो कि दर्शाती है कि मूवी की स्टोरी अच्छी है। अगर मैं बात करूं पर्सनल फीडबैक की तो वाकई में अगर आपको कार्टून मूवी देखना पसंद नहीं है तो ये मूवी आपके लिए नहीं है क्योंकि ये एक तरह से आप बोल सकते हैं एनिमेटेड मूवी है। अगर जो एनिमेटेड मूवी के फ़ैन हैं डेफिनेटली उनको ये मूवी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, लेकिन अगर आप राम जी और हनुमान जी से जुड़ी हुई कुछ अलग चीज़ें जानना चाहते हैं तो ये भी आपके लिए एक अच्छी मूवी रहेगी। तो दोस्तों बात करें अदर डिटेल्स के बारे में तो यह 2018 की हिंदी भाषा की एडवेंचर 2D और 3D मूवी है जिसे डायरेक्ट किया गया है एजहल वंदन के द्वारा। बात करूं मूवी की स्टोरी के बारे में तो इस मूवी के अंदर दिखाया गया है कि देवी सीता को बचाने के लिए और लंकापति रावण को हराने के लिए हनुमान जी अपनी यात्रा आरंभ करते हैं। अपने राज्य की रक्षा के लिए मतलब रावण अपने राज्य की रक्षा करने के लिए अपने सबसे शक्तिशाली और सहायक और भाई को जिसका नाम होता है मही रावण उसको भेजता है हनुमान से लड़ने के लिए और हनुमान जी को हराने के लिए। लेकिन क्या वो हनुमान जी को हरा पाता है या नहीं ये जानने के लिए मूवी देखिएगा, इंटरेस्ट आपको आएगा। जैसे रिजल्ट तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि हनुमान जी को कोई हरा ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी मैं आपका इंटरेस्ट नहीं ख़राब नहीं करना चाहता ये बता करके कि किस किस तरह से मूवी के अंदर हनुमान जी ने मही रावण से युद्ध किया और कैसे उनको हराया। तो यह जानने के लिए आप मूवी देखिएगा, मूवी डेफिनेटली आपको पसंद आएगी। बात करूँ अदर डिटेल्स की, मूवी की कहानी को लिखा गया है नारायण विद्यानाथन के द्वारा एंड मूवी बेस्ड है रामायण बाई वाल्मीकि, जो वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी थी उसके ऊपर बेस्ड है। मूवी को प्रोड्यूस किया गया है राजीव चिलाका ने और प्रोड्यूस किया गया है समीर जैन और श्रीनिवास एंड चिलाका कल पुदी, इन सभी के द्वारा मूवी को प्रोड्यूस किया गया है। मूवी को प्रोडक्शन कंपनी थी मूवी की ग्रीन गोल्ड एनिमेशन एंड मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था यशराज फिल्म्स के द्वारा। 6 जुलाई 2018 में मूवी को रिलीज़ किया गया था। 96 मिनट की यह मूवी है और हिंदी और तमिल दो लैंग्वेजेस में मूवी अवेलेबल है। तो दोस्तों एक बार मूवी को ज़रूर देखिएगा, आपको पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यू में और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हनुमान वर्सेस मही रावण मूवी का रिव्यू। दोस्तों इस मूवी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और इसमें एक ऐसी कहानी दिखाई गई है जो अभी तक किसी भी रामायण में या बहुत सारे मतलब जो टीवी सीरियल्स आए हैं रामायण के ऊपर या रामायण मूवी आई है उसमें ये स्टोरी नहीं दिखाई गई है हनुमान जी की। तो इसीलिए इस मूवी के बारे में रिव्यू में लेकर के आया हूँ ताकि जो रामायण के रावण को वध करने के समय पर जो हनुमान जी की भूमिका थी वो क्या थी और उन्होंने क्या क्या मतलब जो अनटोल्ड स्टोरी है एक तरह से मतलब जो नहीं बताया गया है रामायण वगैरह में वो आपको जानने के लिए मिले। तो दोस्तों मूवी के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अपने चैनल पर मैं अच्छी और बुरी दोनों तरह की मूवीज़ के रिव्यू डालता हूं एंड रिव्यू डालने का उद्देश्य यही होता है कि आप मूवी देखने से पहले मेरी मूवी का रिव्यू देखें और ये तय कर पाएँ कि कौन सी मूवी अच्छी है और कौन सी मूवी आपको देखनी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि आप ख़राब मूवी देख करके अपना टाइम वेस्ट करें। तो दोस्तों और बता दूं कि अपने चैनल पर मैं सिर्फ मूवी से जुड़ी हुई जानकारी एंड मूवी की शॉर्ट में स्टोरी आपको बताता हूं, कंप्लीट मूवी या फिर मूवी की क्लिप अपलोड नहीं कर पाता हूं यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से। एंड आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे इस रिव्यू को मात्र 3 से 4 मिनट तक ज़रूर देखें, आपको ज़रूर मदद मिलेगी ये जानने में कि इस मूवी को आपको देखना चाहिए या नहीं। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी की डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले मैं बात करूँ IMDb रेटिंग के बारे में। तो मूवी ने 10 में से 7 की रेटिंग प्राप्त की है जो कि दर्शाती है कि मूवी की स्टोरी अच्छी है।
अगर मैं बात करूँ पर्सनल फीडबैक की, तो वाकई में अगर आपको कार्टून मूवी देखना पसंद नहीं है तो ये मूवी आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये एक तरह से आप बोल सकते हैं एनिमेटेड मूवी है। अगर जो एनिमेटेड मूवी के फ़ैन हैं डेफिनेटली उनको ये मूवी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, लेकिन अगर आप राम जी और हनुमान जी से जुड़ी हुई कुछ अलग चीज़ें जानना चाहते हैं तो ये भी आपके लिए एक अच्छी मूवी रहेगी। तो दोस्तों बात करें अदर डिटेल्स के बारे में, तो यह 2018 की हिंदी भाषा की एडवेंचर 2D और 3D मूवी है, जिसे डायरेक्ट किया गया है एजहल वंदन के द्वारा। बात करूँ मूवी की स्टोरी के बारे में, तो इस मूवी के अंदर दिखाया गया है कि देवी सीता को बचाने के लिए और लंकापति रावण को हराने के लिए हनुमान जी अपनी यात्रा आरंभ करते हैं। अपने राज्य की रक्षा के लिए मतलब रावण अपने राज्य की रक्षा करने के लिए अपने सबसे शक्तिशाली और सहायक और भाई को, जिसका नाम होता है मही रावण, उसको भेजता है हनुमान से लड़ने के लिए और हनुमान जी को हराने के लिए। लेकिन क्या वो हनुमान जी को हरा पाता है या नहीं, ये जानने के लिए मूवी देखिएगा, इंटरेस्ट आपको आएगा। जैसे रिजल्ट तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि हनुमान जी को कोई हरा ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी मैं आपका इंटरेस्ट नहीं ख़राब नहीं करना चाहता ये बता करके कि किस किस तरह से मूवी मूवी के अंदर हनुमान जी ने मही रावण से मतलब युद्ध किया और कैसे उनको हराया। तो यह जानने के लिए आप मूवी देखिएगा, मूवी डेफिनेटली आपको पसंद आएगी। बात करूँ अदर डिटेल्स की, मूवी की कहानी को लिखा गया है नारायण विद्यानाथन के द्वारा एंड मूवी बेस्ड है रामायण बाई वाल्मीकि, जो वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी थी उसके ऊपर बेस्ड है। मूवी को प्रोड्यूस किया गया है राजीव चिलाका ने और प्रोड्यूस किया गया है समीर जैन और श्रीनिवास एंड चिलाका कल पुदी, इन सभी के द्वारा मूवी को प्रोड्यूस किया गया है। मूवी को प्रोडक्शन कंपनी थी मूवी की ग्रीन गोल्ड एनिमेशन एंड मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था रिसर्च फिल्म्स के द्वारा। 6 जुलाई 2018 में मूवी को रिलीज़ किया गया था। 96 मिनट की यह मूवी है और हिंदी और तमिल दो लैंग्वेजेस में मूवी अवेलेबल है। तो दोस्तों एक बार मूवी को ज़रूर देखिएगा, आपको पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यू में, और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हनुमान वर्सेस मही रावण मूवी का रिव्यू। दोस्तों इस मूवी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और इसमें एक ऐसी कहानी दिखाई गई है जो अभी तक किसी भी रामायण में या बहुत सारे मतलब जो टीवी सीरियल्स आए हैं रामायण के ऊपर या रामायण मूवी आई है उसमें ये स्टोरी नहीं दिखाई गई है हनुमान जी की। तो इसीलिए इस मूवी के बारे में रिव्यू में लेकर के आया हूँ, ताकि जो रामायण के रावण को वध करने के समय पर जो हनुमान जी की भूमिका थी वो क्या थी और उन्होंने क्या क्या मतलब जो अनटोल्ड स्टोरी है एक तरह से, मतलब जो नहीं बताया गया है रामायण वगैरह में, वो आपको जानने के लिए मिले। तो दोस्तों मूवी के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अपने चैनल पर मैं अच्छी और बुरी दोनों तरह की मूवीज़ के रिव्यू डालता हूं, एंड रिव्यू डालने का उद्देश्य यही होता है कि आप मूवी देखने से पहले मेरी मूवी का रिव्यू देखें और ये तय कर पाएँ कि कौन सी मूवी अच्छी है और कौन सी मूवी आपको देखनी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि आप ख़राब मूवी देख करके अपना टाइम वेस्ट करें। तो दोस्तों और बता दूं कि अपने चैनल पर मैं सिर्फ मूवी से जुड़ी हुई जानकारी एंड मूवी की शॉर्ट में स्टोरी आपको बताता हूं, कंप्लीट मूवी या फिर मूवी की क्लिप अपलोड नहीं कर पाता हूं यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से। एंड आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे इस रिव्यू को मात्र 3 से 4 मिनट तक ज़रूर देखें, आपको ज़रूर मदद मिलेगी ये जानने में कि इस मूवी को आपको देखना चाहिए या नहीं। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी की डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले मैं बात करूँ IMDb रेटिंग के बारे में, तो मूवी ने 10 में से 7 की रेटिंग प्राप्त की है, जो कि दर्शाती है कि मूवी की स्टोरी अच्छी है। अगर मैं बात करूँ पर्सनल फीडबैक की, तो वाकई में अगर आपको कार्टून मूवी देखना पसंद नहीं है तो ये मूवी आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये एक तरह से आप बोल सकते हैं एनिमेटेड मूवी है। अगर जो एनिमेटेड मूवी के फ़ैन हैं डेफिनेटली उनको ये मूवी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, लेकिन अगर आप राम जी और हनुमान जी से जुड़ी हुई कुछ अलग चीज़ें जानना चाहते हैं तो ये भी आपके लिए एक अच्छी मूवी रहेगी। तो दोस्तों बात करें अदर डिटेल्स के बारे में, तो यह 2018 की हिंदी भाषा की एडवेंचर 2D और 3D मूवी है, जिसे डायरेक्ट किया गया है एजहल वंदन के द्वारा। बात करूँ मूवी की स्टोरी के बारे में, तो इस मूवी के अंदर दिखाया गया है कि देवी सीता को बचाने के लिए और लंकापति रावण को हराने के लिए हनुमान जी अपनी यात्रा आरंभ करते हैं। अपने राज्य की रक्षा के लिए मतलब रावण अपने राज्य की रक्षा करने के लिए अपने सबसे शक्तिशाली और सहायक और भाई को, जिसका नाम होता है मही रावण, उसको भेजता है हनुमान से लड़ने के लिए और हनुमान जी को हराने के लिए। लेकिन क्या वो हनुमान जी को हरा पाता है या नहीं, ये जानने के लिए मूवी देखिएगा, इंटरेस्ट आपको आएगा। जैसे रिजल्ट तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि हनुमान जी को कोई हरा ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी मैं आपका इंटरेस्ट नहीं ख़राब नहीं करना चाहता ये बता करके कि किस किस तरह से मूवी के अंदर हनुमान जी ने मही रावण से मतलब युद्ध किया और
कैसे उनको हराया, तो यह जानने के लिए आप मूवी देखिएगा, मूवी डेफिनेटली आपको पसंद आएगी। बात करूँ अदर डिटेल्स की, मूवी की कहानी को लिखा गया है नारायण विद्यानाथन के द्वारा एंड मूवी बेस्ड है रामायण बाई वाल्मीकि, जो वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी थी उसके ऊपर बेस्ड है। मूवी को प्रोड्यूस किया गया है राजीव चिलाका ने और प्रोड्यूस किया गया है समीर जैन और श्रीनिवास एंड चिलाका कल पुदी, इन सभी के द्वारा मूवी को प्रोड्यूस किया गया है। मूवी को प्रोडक्शन कंपनी थी मूवी की ग्रीन गोल्ड एनिमेशन एंड मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था रिसर्च फिल्म्स के द्वारा। 6 जुलाई 2018 में मूवी को रिलीज़ किया गया था। 96 मिनट की यह मूवी है और हिंदी और तमिल दो लैंग्वेजेस में मूवी अवेलेबल है। तो दोस्तों एक बार मूवी को ज़रूर देखिएगा, आपको पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।